चलेगा ना। अस्तो मा सद्गम है, तमसो मा ज्योतिर्गम है, मृत्योर्मा अमृतगम है। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुर्भाग्य भवेत्। हे भगवान सभी का भला करे, लेकिन उसकी शुरुआत मुझसे करे। नहीं, एक स्वार्थी आदमी की कथन है, चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर, आप सभी का एसएन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है, हर मंथ की बात ही, आज भी आपके लिए नए बैच का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। आज है 1 दिसंबर 2022 और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सेप्टेम्बर तक आप सभी गवर्नमेंट जॉब लग जाए बेटा। इसी सीरीज में आपके लिए नए बैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम। अब तक 27,000 से ज़्यादा सिलेक्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपके बेच अवेलेबल है बेटा। ऑफलाइन की फीस है 21,999 रुपीज़, यानी 22,000 के करीब आपकी फीस रहेगी। ऑफलाइन में जो क्लासेस होगी वही ऑनलाइन में लाइव होगी, मात्र 8,999 रुपये में बेच अवेलेबल बेटा। बेच ज्वाइन करने के लिए 8368066018 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, 5 से 6,000 रुपये पर मंथ के खर्चे पर आपका बेटा हॉस्टल मिल जाएगा। आपका 5 मंथ में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। एड्रेस जो रहेगा ऑफलाइन का वो रहेगा 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर, अबो IDBI बैंक, नियर शनिचर जी का थान, जोधपुर राजस्थान, राजस्थान में जोधपुर नगरी में आपका बेटा शनिचर जी का थान है। जालोर गेट एक फेमस जगह है, वहाँ पे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। और जो ऑफलाइन में क्लासेज होगी वही ऑनलाइन में आपके लाइव होगी बेटा, यानी अगर आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन भी आप लाइव मजा ले सकते हैं क्लासेज का। चलिएगा चलेगा। ऑफलाइन जो बैच रहेगा, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं बेटा, ये IDBI बैंक के ऊपर 3rd फ्लोर पर अपना एसएन एकेडमी का ये बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे आपकी क्लासेज हैं ऑफलाइन की 21,999, और मेन हेड ऑफिस भी यही है आपका एसएन एकेडमी का बेटा, ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा गांधीनगर गुजरात में भी आपके क्लासेज अवेलेबल है, हरियाणा में भी क्लासेज अवेलेबल है, दिल्ली में भी अवेलेबल है ऑफलाइन बेटा आपके एसएन एकेडमी की तरफ से। बैच ज्वाइन करने के लिए आप 8368066018 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपका ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है जिसकी फीस है 8,999 रुपये बेटा। इस ऑनलाइन बैच के देखिएगा, सबसे पहले तो आपको लाइव क्लास मिलेगी सारी की सारी, और ये लाइव क्लासेस लाइव होने के बाद आपके स्टडी मटेरियल में सेव हो जाएगी, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। लेकिन जो कोई रनिंग स्टूडेंट है, जैसे GNM सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, BSc नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का कोई स्टूडेंट है, पोस्ट BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट है, तो उनको 3 साल तक एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी बेटा। चलिएगा, इस ऑफलाइन बैच के साथ क्या मिलेगा, तो क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको लगभग 15,000 MCQ की आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, और नोट्स की EPDF भी आपको फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, जैसे साउथ इंडिया में 3,500 में नोट्स की होम डिलीवरी हो जाती है, और साउथ इंडिया में जो दक्षिण के राज्य है उसमें 4,000 में आपकी होम डिलीवरी हो जाती है बेटा नोट्स की। क्लियर, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, साथ में MCQ सोल्व करेंगे, जैसे आज मैं डेमो में पढ़ाऊंगा इसी तरह आपका। इसके अलावा गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाएगी, ना कि कोई स्टूडेंट बेटा, जो ऑलरेडी 10 साल से पढ़ा रहे हैं वो फैकल्टी पढ़ाएगी, और अब तक 27,000 से ज़्यादा सिलेक्शन है उनके पढ़ाए हुए बेटा। यहाँ पे जो नॉर्सेट एम्स को टारगेट करेगी 2023 को, ESIC 2023 को, RRB 2023 को, निमान, GMCH, जिपमर, PGI गुजरात, राजस्थान CHO, UP CHO, UK CHO, इंडिया का कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो, वो सभी को टारगेट करेगी बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 8368066018 पर कॉन्टैक्ट करना है, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पर विजिट करना है। वहाँ से आप डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, उधार के अलावा सब माध्यम एक्सेप्टेड है, ठीक है। चलेगा, अब ऑनलाइन जो बैच है वो जोधपुर राजस्थान में है बेटा। ये आपका ऑफलाइन क्लासेस, अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई रनिंग स्टूडेंट लेना चाहता है, जैसे कोई GNM सेकंड ईयर से तैयारी कर रहा है, या BSc नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर से, तो उनको एकेडमिक ईयर के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी हो जाती है। मात्र 8,999 में कोर्स अवेलेबल, और 3 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, 3 साल तक उनका कोर्स वैलिड रहेगा, और हर बार नया कोर्स मिलेगा। ये सभी कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा राजस्थान CHO और UP NRHM की जो UP CHO और NRHM की जो पोस्ट है, लगभग 17,000 के करीब, उनमें ANM और GNM के पोस्टेज है आपका, उनके अंदर भी बेटा कोर्स अवेलेबल है। 4,999 का लाइव कोर्स है, उसके बाद वीडियो सेव हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो 2,499 रुपये में अवेलेबल है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। सेम 8368066018 पर आप कॉन्टैक्ट करके आप बैच परचेज कर सकते हैं बेटा। ये ऑफलाइन में कुछ हाल ही में अभी नोटसेट 2022 में लगभग 2200 से ज़्यादा फाइनल पोस्टिंग मिली है लोगों को, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 7,000 से ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट है एसएन एकेडमी की तरफ से। कुछ कैंडिडेट जो ऑफलाइन में आए बेटा, स्वागत किया गया उनका,
उनके कुछ मनोरम तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ऑफलाइन के मनोरम दृश्य बेटा। ये ऑल इंडिया रैंकर अभी तक एसएन एकेडमी ने जो दिए हैं, और ये नॉर्थ शेड 2022 के रैंकर बेटा, जैसे सातवीं रैंक, 26वीं, 25वीं रैंक, 34वीं रैंक, 36वीं, 37वीं रैंक, 43वीं, 52वीं, 60वीं, 64, 65, 66, 77, 100, 101, काफ़ी लोग 109, काफ़ी लोग सेलेक्टेड है, कुछ लोग भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं। तो ये कुछ कैंडिडेट जो टॉप रैंकर है अंडर 100 में, उनकी आपके पिक्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे, क्लियर है। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर जी की फोटो है, कहाँ गई ब्रांड एम्बेसडर, चलेगा। एसएन एकेडमी के तो सभी सितारों को नमस्कार, चलेगा बेटा। आज अपन पढ़ेंगे हेपेरिन और वारफेरिन, और क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे है बेटा कि समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी, इज इट राइट और नॉट? कितनी बड़ी, मतलब इसको तुम जब सफल हो जाओगे ना, ठीक है ना, अभी इस बात को हो सकता है समझ नहीं पाओ, या कुछ लोग समझ जाएंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे ना तो इसका मतलब समझो। जिंदगी में कोई भी समस्या इतनी पावरफुल कभी भी नहीं हो सकती कि वो आपके सपनों को कुचल सके या आपको निराश कर सके। समस्या इतनी पावरफुल नहीं होती है, क्लियर है। हर समस्या का इस दुनिया में क्या है, समाधान है। बस माइंड को क्या करना है, सेट करने की जरूरत। आपको मानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। कभी ऐसा होता है कि अंधेरा कभी सूरज नहीं निकलने देता है, नहीं होता ना, रोज सूरज निकलता है, अंधेरा भी आएगा सूरज भी होगा, जीवन भी यही है। कुछ लोग पढ़ते हैं अरे बस में अभी भी रनिंग में, कुछ लोग अभी नोट सेट में फेल हो गए, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, किसी को अभी पढ़ने लगा तुरंत नौकरी चाहिए। सब लोग क्या होता है, अपन सिर्फ सोचते हैं लक्ष्य के बारे में, क्या करते हैं कि यार मेरी नौकरी लग जाए, क्या लग जाए, और नौकरी लग जाए, रोज यही सोचते हैं नौकरी लग जाए। फिर वो किसमें, एंजाइटी में कन्वर्ट होने लग जाता है। किसमें, वो नौकरी लगने का जो आपका जो टारगेट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी भी स्थिति में मेरा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आपको एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, पूरे एंजाइटी धीरे धीरे किसमें बदल जाती है, फियर में। किसमें बदल जाती है, और वो फियर जब होता है, डर जो पैदा होता है ना, वो डर आपको क्या कर देता है, मनोबल को तोड़ देता है। हर एक फेलियर स्टूडेंट की यही कहानी है। वो आएगा जोश में, 4 दिन 5 दिन जोश में आएगा, फिर उसमें क्या होता है, समय से पहले उसके दिल में क्या होने लग जाती है, चाहत होने लग जाती है, नहीं मुझे तो कल ही नौकरी चाहिए, कल पढ़ना शुरू किया और कल ही क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। हर चीज़ को बेटा ना समय लगता है, एक पौधा बनने में भी समय लगता है, जीवन उसी पौधे के समान है। आज आपको इतना अडल्ट होने में 24, 23, 25 साल लगे हैं पढ़ाई पूरी करने में, तो उस पढ़ाई का जो टोटल आउटपुट लेने में भी तो आपको समय चाहिए ना, एम आई राइट और नॉट? तो थोड़ा सबसे पहली जो बात है, आपको अगर सक्सेस होना ना, तो मैं एक बात हमेशा कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस बहुत जरूरी है जीवन में। क्या, जितना आपका धैर्य बड़ा होगा ना, उतना ही आपका क्या होगा, आउटपुट अच्छा होगा। जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहोगे, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, अरे बात मनोबल जिसको अपन बोलते हैं वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, धैर्य। देखिएगा, जीवन में सफल होने के लिए 3 चीजें जरूरी है, कॉन्फिडेंस, धैर्य और हार्ड वर्किंग। क्या चीज, जबरदस्त तरीके से क्या, मेहनत। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है, धैर्य। मेहनत के साथ जिस बंदे ने क्या देख लिया, धैर्य, क्लियर है। और अपने आप पे क्या रखा उसने, वो जिंदगी में इसका एक ही फॉर्मूला, क्या, सफलता। सक्सेस किसकी दीवानी है, मेहनत करने वाले और धैर्य। लेकिन ये दोनों अपनी जगह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कल ही आप पढ़ना शुरू किया और आपको परसों रिजल्ट चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेहनत करो यार, अपन कर भी सकते हैं, अपने हाथ में है, चलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, धैर्य बनाए रखे और रोज मेहनत करें। रोज खड्डा खोल के पानी पीना पड़ता है जीवन जीने के लिए, यही जीवन है, समझ रहे हैं। चलिएगा बच्चों, सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं अपन आज, थ्योरी पढ़ेंगे अपन कंप्लीट। दो अपन आपकी जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा एंटी कोगुलेंट्स थेरेपीज। कौन सी थेरेपी, और एंटी कोगुलेंट थेरेपी में 5-6 तरह की ड्रग पढ़ाने वाला हूँ आपको, जैसे हेपरिन, वारफेरिन, ईडीटी, एथिलीन डायमिनो टेट्राएसिटिक एसिड, आरबास में आपका सोडियम सिट्रेट वगैरह के बारे में बताएंगे, डेक्सट्रान वगैरह के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, आरबीसी का स्टोरेज कैसे होता है, पीटीआईएनआर के बारे में जानेंगे, आईपी आपका एपीटीटी के बारे में जानेंगे अपन बेटा, हिपेरिन के बारे में जानेंगे, वारफेरिन के बारे में जानेंगे, और भी कुछ अपन यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे। और नॉर्सेट एंड अदर सीएचओ दोनों के लिए, नॉर्सेट का मैं तुलना करूंगा बड़े एग्जाम से। नॉर्सेट का मतलब होता है ईएसआईसी, आरआरबी, पीजीआई, जिपमर, पांडिचेरी, ऐसे जो बड़े एग्जाम जिनमें टफ पेपर आता है, चले आ रही है। और सीएचओ का मतलब ये नहीं, सीएचओ का मतलब जो स्मॉल एग्जाम, स्मॉल स्केल के एग्जाम होते हैं, जैसे पोस्ट बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम,
एनएचएम के एग्जाम, यूके के, आपके बिहार सीएचओ, ऐसे जो एग्जाम होते हैं सीएचओ का, मतलब जिनमें थोड़ा कम इजी पेपर आता है, ये दोनों में ये जो टॉपिक रहेगा एंटी कोगुलेंट, इन दोनों में पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और नॉर्थ स्टेट में कम से कम कितना, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन सिस्टमेटिक शुरुआत करेंगे। पहला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हेपरिन। क्या चीज हेपरिन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल गदगद हो जाएगा आपका इसकी वजह से। चले आगे, यस हेपरिन। हेपरिन की अगर बात करें बेटा, क्लियर, हेपरिन वर्ड आपका हेपारा से अराइज है। हेपारा का मतलब होता है लीवर, क्योंकि ये बनता कहां से, लीवर से। हेपरिन कहां से, प्रोड्यूस बाय लीवर, प्रोड्यूस बाय लीवर। चलेगा, कैसे बनता है हेपरिन, तो पहले तो ये जान लेते बनता कैसे है हेपरिन। तो ये आपका लवली लीवर है, क्लियर बच्चों। लीवर में चारों तरफ से ब्लड वसल्स गुजरती है, ये ब्लड आपका, ब्लड के अंदर एक ब्लड सेल होती है, कौन सी, बेसोफिल्स, कौन सी। और आपको बता कि जो आपकी जो लीवर है उसमें हेक्सागोनल षटकोणीय शेप, छह कोण के आकार में, हेक्सागोनल शेप में क्या होता है, हेपेटोसाइट्स होती है, हेपेटोसाइट्स होती है, हेपेटोसाइट सेल्स होती है। इन हेपेटोसाइट सेल नॉर्मल सेल की तरह ही है, यूं हेक्सागोनल शेप में। इन सेल में एक आपका ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या चीज, गोल्जी बॉडी। क्या करता है, यहां से बेसोफिल्स ब्लड को छोड़ के कहां एंटर करती है, हेपेटोसाइट सेल के बीच में, यानी टिश्यू में एंटर करती है, और यहां पे ये क्या कहलाती है, मास्ट सेल। तो मास्ट सेल और कौन आपकी, कौन सी, बेसोफिल्स, मास्ट सेल और कौन, बेसोफिल्स, ये दोनों किस पे एक्शन करवाती है, गोल्जी बॉडी से। और लीवर की गोल्जी बॉडी से आपका ये जो मास सेल है लीवर में जाके वहां पे ये क्या बनवाती है बेटा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेपरिन बनाती है। तो जो हेपरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, लीवर का। इज इट क्लियर नो, अरिबास में। और ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इसलिए नेचुरली अकरिंग एंटी कोगुलेंट, कौन, हेपरिन। हेपरिन कैसा है बॉडी में, नेचुरली अकरिंग एंटी कोगुलेंट है। जहां पे भी बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन वाले समझ में नहीं आए, तुरंत आप कमेंट कर दे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बेटा, चलेगा। तो नेचुरल अकरिंग एंटी कोगुलेंट जो है वो कहां से बनता है, हेपेटोसाइट सेल से, लीवर के मास्ट सेल से। अरबास में लीवर के अंदर जो बेसोफिल्स है वो माइग्रेट होकर कहां जाती है, इन मास्ट सेल, इनके हेपेटोसाइट सेल के बीच में। और वहां पर यह मास्ट सेल किसका निर्माण करती है, या बेसोफिल सेल किसका, लीवर का। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मास्ट सेल किस पे अटैक करती है, आपके गोल्जी बॉडी पर। इसके अलावा मास्ट सेल में भी गोल्जी बॉडी है, वो भी किसका निर्माण करता है, हेपरिन का। तो आपको एम नहीं करना है कि हेपेटोसाइट सेल बनाती है, ये मैंने समझाने के लिए बोला, बनाती कौन है, मास्ट सेल, या कौन बनाती है, बेसोफिल्स। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, आप ये मत कह देना नहीं कि सर लीवर की मास हेपेटोसाइट बनाती है, बनाती तो कौन है, मास्ट सेल, लेकिन उनका दोनों का क्या था, कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन होता है। शुरू करें, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो नेचुरल अंकरिंग एंटीकोगुलेंट है, और कहां से प्रोड्यूस होता है, मास सेल से, और कहां से, बेसोफिल से। और कैसे भी बन सकता है क्या ये, और कुछ है जहां से ये बन सकता, तो नहीं बनता है, मोस्टली यहीं से बनता है आपका बेटा लीवर। अरे बस नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट बेटा। हेपरिन के बारे में, हेपरिन जो डिस्कवर किया गया, वो डिस्कवर किया गया 1916 में, और इसके बारे में पहली बार किसने बताया, जॉय मैकलिन और विलियम हेनरी हॉडले, विलियम हेनरी हॉडले ने इसके बारे में 1916 में पहली बार बताया। किसके बारे में, हेपरिन के बारे में। कोई डाउट है बच्चों, हेपरिन के बारे में पहली बार किसने बताया, हेपरिन के बारे में पहली बार किसने बताया था, जॉलियम। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर बच्चों। अरे कोई डाउट, अब है क्या हेपरिन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेपरिन इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूको मतलब मल्टीपल शुगर यूनिट से बना हुआ है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट है, कौन, हेपरिन, कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए हेपरिन को तुम बोतल को बाहर निकाल के भी रख दो, वैसे स्टोर तो कहां करना है हेपरिन को,
फ्रिज में रखते हैं। हेपरिन को स्टोर कहाँ करते हैं अपन? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि क्या है अरे, लेकिन आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। देखा होगा हेपरिन बाहर भी पड़ा रहता है बहुत सारा, अरे होता कि नहीं होता है, क्लियर है। और ये बेटा बॉडी में बनता आपका कौन? हेपरिन। और ये पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। कौन? हेपरिन। इज इट क्लियर ऑर नॉट? अरे कोई डाउट है? चलता? अरे समझ रहे मेरी बात? इतने खामोश मत हो भाई कि मार ही डालती, बात डाल देती उसकी खामोशी मुझे। क्या? मार ही डाल देती उसकी खामोशी मुझे, बाद में उसकी बहन ने बताया कि ये तो गूंगी है जन्म जाती। आरी बात सब तो हो जाता कई बार आदमी। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। मल्टीपल आपका बेटा शुगर यूनिट से बना होता है, म्यूकोपोलीसेकेराइड। कौन आपका? हेपरिन बेटा, जिसके बारे में किसने खोजा? इट इज मेड इन सॉरी इट इज यूज इन बोथ विवो एंड विट्रो। विवो का मतलब आपके हॉस्पिटल में भी ये यूज लिया जाता है, और विट्रो का मतलब लैब में भी। हेपरिन का आपका लैब में बहुत सारी जगह इसका यूज लिया जाता है। किसका? हेपरिन का। इट इज यूज इन बोथ विवो एंड विट्रो। कौन? हेपरिन। क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को थोड़ा टॉपिक को ध्यान रखना। चले आगे। इट इज यूज इन बोथ विवो एंड विट्रो बेटा। और जो विवो विट्रो में इट इज क्लियर मेड बाय, अपन जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो रिकमेंडेड डीएनए टेक्निक्स, आरडीएनए टेक्निक से बनाया जाता है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्निक से बनाया जाता है जो आपके हॉस्पिटल में यूज लिया जाता है, हेपरिन आपका। क्लियर है? पूरा जानेंगे यहां से 100% क्वेश्चन आता है, कहीं भी किसी भी छोर पे अपन यहां पे नहीं छोड़ने वाले इसको। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। रिकमेंडेड डीएनए टेक्निक से बनाया जाता है। कौन आपका? हेपरिन। नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट बॉडी में बनता है, जरूरत पड़ने पर आप इसको बाहर से भी दे सकते हो आप बेटा हेपरिन को। क्लियर है? बाहर से भी आप बनाया जा सकता है और आप इसको दे सकते हो बॉडी में। क्लियर है? आवाज आ रही ना? अच्छा आ रही बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा, बात करता है, ये तो बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में? हेपरिन के बारे में। अब काम कैसे करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या चीज? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी, और वो भी कैसे? इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं करता ये, अपने डिस्कस किया था ये थ्रोम्बिन को क्या करता है? इनडायरेक्टली लिमिट करता है। अब कैसे करता है ये जानना जरूरी है, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। तो ये कैसे करता है? इनडायरेक्टली है। आरी पास में इट इनहिबिट कौन सा पाथवा? इंस्टिंक्टिंग पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थर्ड टाइप का होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप का होता है। मेन जो प्रोथ्रोम्बिन है, थर्ड जो होता है ना उसको इनहिबिट करता है कौन? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, उसको इनहिबिट करता है कौन? हेपरिन। इसकी वजह से कौन सा पाथवे ब्लॉक होता है? और आपका अगर अपने पढ़ा था, अपने क्या पढ़ा था कि थ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन में। किसकी प्रेजेंट में? थ्रोम्बिन है एक्टिवेटर की प्रेजेंट में, जो कि किस पाथवे से बनता है? इंस्टिंक्टिंग और एक्सटिंक्टिंग दोनों पाथवे से बनता है। हेपरिन किस पाथवे को ब्लॉक करती है? तो थ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? हेपरिन यहां पर काम करेगा। हेपरिन क्या करेगा? इस थ्रोम्बिन एक्टिवेटर को क्या करेगा? ब्लॉक। तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें नहीं बदलेगा? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो सुनना बेटा, आपका पहला और इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? फिब्रिनोजन। यह फिब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में, जो कि एक जालदार प्रोटीन और क्लोटिंग का एंड प्रोडक्ट है। क्लोटिंग का क्या है ये? क्लोटिंग एंड प्रोडक्ट है कौन? फाइब्रिन। उसको फाइब्रिनोजन को, और फाइब्रिनोजन कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है? सब फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन है? फाइब्रिनोजन। 13 क्लोटिंग फैक्टर पढ़े आपने, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, प्रेजेंस हैव नॉट बीन प्रूव, 7वां स्टेबल फैक्टर, 8वां एंटी इम्यून फैक्टर ए, 9वां हेगमैन या बी बोलते हैं एंटी इम्यून फैक्टर बी, सॉरी क्रिसमस, और 10वां स्टुअर्ट पावर, 11वां
प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन एंड स्टैंड, 12वां हेगमैन फैक्टर जिसको ग्लास फैक्टर कास्टल फैक्टर अरेबास में, और 13वां फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बेटा क्लियर प्रोमोकार्बिटिन। तो यह इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि तो फाइब्रिनोजन कैसा क्लोटिंग फैक्टर है, फर्स्ट उसको थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में। अब थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाने के लिए कौन सा पाथवे चाहिए, इंस्ट्रिंगसिंग। हिपेरिन इस पाथवे को ब्लॉक करती तो ये नहीं बनेगा थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट नहीं होगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। तो मतलब डायरेक्टली थ्रोम्बिन को बंद करता है क्या, है डायरेक्टली नहीं करता, कैसे करता है, कौन, हेपरिन। अगर क्लियर ऑन, इसीलिए अगर क्लॉट बन गया है तो उसको तोड़ नहीं सकता, ये जो बनने की संभावना है उसको कम करेगा, समझ रहे आप। जो थ्रोम्बस बनता है उसको प्रोफाइलेक्सिस में काम आता है, ना कि ट्रीटमेंट, भविष्य में क्लॉट ना बने। इज इट क्लियर और नॉट, चले आगे। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटा, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन इज ऑलमोस्ट इमीडिएट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो एक्शन रहता है वो ऑलमोस्ट कैसा रहता है, इमीडिएट रहता है, किसका, हेपरिन का। आपने दिया और देते ही बेटा कितना, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये काम करना शुरू हो, मैगी की तरह, ये जट मंगनी और पट ब्याव, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। एक्शन इज ऑलमोस्ट इमीडिएट, किसका, आर्यवास में। अरे कोई डाउट है, चले आगे, इज इट क्लियर और नॉट। अरे कोई डाउट, कुछ पुरुष इतने मोटे होते हैं कि उनके प्यार को प्यार ना कह के उनको पशुपालन की श्रेणी में रखा जाता है, और कोई लड़की है कोई मोटे आदमी से प्यार करी तो पशुपालन नहीं कर रही है इतने मोटे आदमी का, कर क्या रही है, आर्यवास में। तो एक्शन इज ऑलमोस्ट इमीडिएट, कोई डाउट है, आर्यवास में। कई बार होता ना ऐसे आदमी को जो वर्स फीलिंग आती है, कब वर्स फीलिंग कब आती है, जब कोई अनयूजुअल चीज हो जाती है आर्यवास में, सबसे ज्यादा वर्स फीलिंग कब आती है, क्लियर, उस समय सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और मैं इस धरती में समा जाऊं, जब पत्नी ये कहती है कि मैं ही मिली हूं तुम्हें सीधी शादी, है ना, तो आदमी को ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और क्या मैं जमीन में समा जाऊं, आर्यवास में। तो एक्शन इज ऑलमोस्ट कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा इसका, और किसका, एल्कोहल, एल्कोहल का भी आप बेटा एक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएट है, जैसे आप एल्कोहल लोगे आर्यवास में, आर्यवास में, अरे को डाउट है, चले आगे। तो जैसे एक्शन लोगे 4 बोतल वोद का काम मेरा जो रोज का, तो जैसे ही वोड का एंटर करेगा आपके स्टोमक में तुरंत एब्जॉर्ब होगा, तुरंत का पहुंच जाएगा ब्लड में, आप पीते ही उसको ब्लड के अंदर सैंपल हो गए आपको मिल जाएगा उसका 2 से 3 मिनट बाद। तो एक तो एल्कोहल का एक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएट है, और हिपेरिन का भी ऑलमोस्ट इमीडिएट है, और रिमेन फॉर कितने घंटे तक रहता है, 6 आवर। कितने घंटे तक हिपेरिन काम करता है, 6 आवर। तो अगर आपको हिपेरिन देना है तो QID डोज चलेगी, कैसी डोज चलेगी, आर्यवास में। अरे कोई डाउट है, चले आगे। अगर आपको कंटिन्यू चलाना है, और अगर मान लो मेंटेनेंस थेरेपी चलनी है, तो फिर HS डोज चलती है, कैसी डोज, रात के समय हेपरिन देना सबसे सेफ माना जाता है, क्लियर, उसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है रिमेनिंग के लिए, चले आगे बेटा, आर्यवास में। और हाफ जो लाइफ है इसकी वो 1 आवर है, अरे कितने आवर है, कमबख्त हो, 1 आवर, यानी ब्लड में जितना आपने दिया, मान लो 5000 यूनिट दिया, तो 2500 यूनिट आधा रहने में जो समय लगता है, हाफ लाइफ कहलाती है, वो कितना, 1 घंटे के अंदर आधा रह जाता है ब्लड में, और टोटल खत्म कब हो जाता है, 6 घंटे में। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, रूट देखिएगा इसका, रूट किस रूट से आप देना पसंद करेंगे, तो जो मोस्ट कॉमन जो रूट है वो कौन सा रूट रहता है, सब क्यूटेनियस, ऐसी रूट से आपका बेटा, सब क्यूटेनियस रूट से आप इसको बेस्ट से बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट रूट कौन सा रहता है अपेरेंट का, सब क्यूटेनियस। और सब क्यूटेनियस जो आता है आपका बेटा, कितने डिग्री एंगल पे लगता है सब क्यूटेनियस, अगर ये जो हिपेरिन आता है वो बेटा देखिएगा, एनेक्सोप्रिन, एनेक्सोप्रिन आता है ना, एनेक्सोप्रिन, और बताओ किस नाम से, एनेक्सोप्रिन और किस नाम से आता है, ये हेपरिन हॉस्पिटल में देखा है क्या, और वो आता है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, LMWH 0.4 0.6, अरे बस में क्लियर, बताइए LMSW का मतलब लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, कौन सा हेपरिन,
लोमलर, एनोक्सोप्रीन, नाम सुना है, ड्यूअल्टेप्रीन, टिलेक्टेप्रीन, ऐसे करके नाम आते बहुत सारे, अलग अलग नाम करते, एनोक्सोप्रीन, एनेक्सा, पता नहीं होता है, एरिक्स्ट्रा, अलग अलग 0.4, 0.6 नाम से ऐसे ब्रांड नेम आता है। अगर तुम प्री लोडेड सिरिंज दे रहे हो, कैसी सिरिंज, अगर आपने देखा हेपेरिन की सिरिंज है, पहले से उसमें हेपेरिन आती है ना मेडिसिन, एक तो वायल आती है, एक तो कहती है हेपेरिन की वायल आती है, 5 ml की वायल आती कि नहीं आती है, और 5 ml में कितना यूनिट आता है, 25, अरे 25,000 यूनिट, मतलब 1 ml बराबर कितना, 5,000 यूनिट। जो वायल आती है ना, वो वायल तो कितने की आती है, नॉर्मली हॉस्पिटल में मोस्टली 5 ml वाली वायल आती है, कई बार 10 ml की, 20 ml की, कंपनी पे डिपेंड करता है, पर मोस्ट कॉमनली एम्स में 5 ml की वायल आती है। इस 5 ml की वायल में 1 ml में कितना यूनिट होता है, 5,000, तो 5 ml में कितना हो गया, 25,000 यूनिट। अगर तुम वायल से भर के दे रहे हो तो तुम किस में लोगे, है सिरिंज में लोगे, 1 ml 2 ml ले रहे हो आप आरीबास में, और आपको मान लो क्या देना है, अगर वायल से ले रहे हो तब तो अपन आईवी लगाते हैं मोस्टली, क्या लगाते हैं, आईवी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आईवी। लेकिन तुम अगर प्री लोडेड सिरिंज दे रहे हो तो उस सिरिंज में जो गोज आता है ना, वो 25 गोज का आता है बेटा, तो उसको कितने डिग्री पे लगाएं आप, 90 डिग्री, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ सब क्यूटेनियस बेसिक कैसे लगता है, 45 डिग्री पे, अरे सब क्यूटेनियस कितने पे लगता है, 45 पे, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे। लेकिन अगर आप एनेक्सोप्रिन दे रहे हो तो एनेक्सोप्रिन की निडली कितनी आती है, प्री लोडेड इतनी आती है, वो वाइल फॉर्म में नहीं आता, वो प्री लोडेड सिरिंज ही आती है, तो फिर उसको किस डिग्री पे लगाओगे आप, 90 डिग्री, नहीं समझे आप। और अगर आपने क्या दिया, वाइल से भरा, तो वाइल से मोस्टली कैसे चलता है, हैं आईडी। और अगर तुमने क्या ली, अगर आपको यूनिट में देने के लिए बोले 1 ml दो, तो 1 ml लगाना थोड़ा मुश्किल है बेटा, 5,000 यूनिट बोले तब तो लगा सकते हो आप, और सब क्यूटेनियस 1 ml लगाना बहुत बड़ी बात है, अरे बात, पर आपको कहेगी 1,000 यूनिट लगाना है, कितना यूनिट, आपको कहेगी 1,000 यूनिट देना है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वाइल है वो अवेलेबल है किस फॉर्म में, 5 ml बराबर 25 ml, 25,000 यूनिट, तो कितना लगाओगे आप, आपको देना है 1,000 यूनिट, कितना यूनिट, और अपनी अवेलेबल है 5 ml में कितना, 25,000, तो 1 ml में कितना हो गया, 5,000, तो आपको देना कितना, 1,000 ml, तो कितना लगाओगे, 0.2 ml, कितना अमल, अरे 1 ml में 500, 0.1 में कितना हो गया, 500 यूनिट, तो इंटू 10 करोगे तो 1 ml में कितना हो गया, 5,000, 1,000 देने के लिए कितना अमल लगाओगे, 0.2 ml, अगर 0.2 ml है या थोड़ा कम है, आधा अमल तक, तब आप सबक्यूटेनियस दे सकते हो, वो भी बड़ी आप 1 ml वाली सिरिंज में, तब आप 45 डिग्री का एंगल बनाओगे ना, मोस्टली अगर लोड करते हैं अपन तब तो आईवी देते हैं मोस्टली, और अगर प्री लोडेड देना आपको सबक्यूट देना, तो प्री लोडेड हेपेरिन आता है, एरिक्स्ट्रा, एनेक्सोप्रिन, ऐसे नाम से अलग अलग आता है, 0.4 ml, 0.6 ml, ऐसे ऐसे यूनिट आती है इसकी, अगर क्लियर और नोट, आरीबास में सब क्यूटेनियस रूट से दोगे, और यहाँ पे एंगल कितना रखोगे आप, 90 डिग्री, वैसे सब क्यूटेनियस में एंगल कितना होता है, 45, लेकिन यहाँ अलग सीन है पूरा का पूरा, सिरिंज लोडेड आती है ना, इसलिए को डाउट है, कई बार इंसुलिन सीरीज में भर के देते हैं तब भी आपको क्या रखना है, 90 डिग्री रखना है, क्योंकि छोटी है नीडल, वो डिपेंड करता है नीडल कैसी, उस आधार पे एंगल बनता है सब क्यूटेनियस का। चले आगे, तो सब क्यूटेनियस, और बेस्ट जो साइट रहेगी बेटा वो रहेगी अराउंड अमलाइकस, क्लियर है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना इंच दूर, 1 inch, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरे समझ रहे हैं आप, कितना दूर, 1 inch दूर, अम्लाइकस से कितना दूर रखना है, 1 inch दूर, यानी 2.5 cm दूर रखना है, 1 inch 2.5 cm दूर रखना है अम्लाइकस से, किसको, सिरिंज को डाउट है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप सबक्यूटेनियस और भी जगह ला सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबक्यूटेनियस यहाँ पे भी लगता है, सबक्यूटेनियस यहाँ पे लग सकता है, दोनों किसके बीच में, स्कैपुला के बीच में लग सकता है, थाई पे लग सकता है, सबक्यूटेनियस उसी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मोस्टली बेस्ट कहाँ से रहता है, अराउंड द अम्लाइकस, यानी ऑन एब्डोमन, कौन सी स्किन पे, एब्डोमन स्किन पे सबसे बढ़िया रहता है, कौन, चाहे इंसुलिन देना हो चाहे हेपरिन देना हो बेटा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटे, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, हेपरिन जब दे रहे हो डू नॉट एस्पिरेट, 2017 में हमारे टाइम आया था, डू नॉट मसाज, ना तो एस्पिरेट करे ना मसाज करे, डू नॉट एस्पिरेट, डू नॉट मसाज, क्या हेपरिन, आप ना तो क्या करें सिरिंज को एस्पिरेट करें, वापस एस्पिरेट नहीं करें, ना मसाज करें, ये ध्यान रखना, वरना क्या हो जाएगी, लाइपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी, आसपास डिम्पलिंग बन जाएगी,
सर क्लियर ऑन नोट, तो सब कंटिन्यूस आप दे सकते हो बेटा, क्लियर है। इसके अलावा आप किस रूट से दे सकते हो, आईवी रूट से। इमरजेंसी कंडीशन में अपन किस रूट से देते हैं, आईवी रूट से, क्लियर है। आईवी रूट से आप इन्फ्यूजन में चला सकते हो इसको, आप डायरेक्ट आईवी बोतल में डाल के दे सकते हो, आप डायरेक्ट आईवी पुश कर सकते हो, आप आईवी रूट से दे सकते हो। तो ये दो ही रूट आप किस में दे सकते हो, हेपरिन को। ओरल कोई टेबलेट इसकी नहीं आती है, क्लियर है। आईएम रूट क्या है, इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज इट कॉट लोकलाइज्ड हेमाटोमा। ये उस लोकल स्तर पे क्या करेगा, हेमाटोमा प्रोड्यूस करेगा। कौन देखिएगा, ये मान लो बटक से आपका या कोई भी जगह, आपने यहां हिपरिन लगाया, आपने सिरिंज इंसर्ट करी, क्या इंसर्ट करी, सिरिंज। जैसे सिरिंज डाली आपने, तो सिरिंज आसपास की ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगी, तो ब्लीडिंग होगी, क्या होगी। अब नॉर्मली आप आईएम लगाते हो तो ब्लीडिंग रुक जाती है कोगुलेशन होने से, लेकिन तुमने यहां कौन सी ड्रग डाल दी, हेपरिन, तो यहां के पूरे एक्सरे में एंटीकोगुलेंट एक्शन होगा, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और ब्लीडिंग हो के यहां क्या बन जाएगा, हेमाटोमा। तो लोकलाइज हेमाटोमा बनने की रिस्क रहती है, इसलिए आपको कभी भी इसको आईएम है, क्यों, क्योंकि एंटीकोगुलेंट है, तो उस लोकल जगह में आसपास में क्या नहीं बनने देगा, क्लोट नहीं होने देगा। और ब्लड वेसल्स आपने नीडल डाली तो ब्लड वेसल्स क्या होगी, डैमेज, तो आपको ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग हेमाटोमा प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए आपको नहीं, कोई डाउट है भाई, अरे समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये बात हो गया आपका रूट, और डू नॉट एस्पिरेट, डू नॉट मसाज। मोस्ट जो प्रोबेबल सुटेबल रूट है वो कौन सा है, अजर क्लियर ऑन नोट। नेक्स्ट एक बेटा एक ऑप्शन और कुछ बचा इसमें, आगे बढ़े। नेक्स्ट यूजेस बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डायलिसिस में बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है डायलिसिस में कौन सी ड्रग, क्लियर है, टू प्रिवेंट डायलिसिस ट्यूबिंग ब्लॉकेज। और नॉर्मली जो क्या करते हैं बेटा, आपने देखा डायलिसिस की ट्यूबिंग होती है, उसको पहले एनएसए फ्लस करते हैं, उसी में अपन मिक्स कर लेते हैं, और मोस्टली जो आपका प्रैक्टिकली बनाया जाता है वो 1 ml मिलाया जाता है, 1 ml का मतलब 5000 यूनिट, और ये सफिशियंट है किसके लिए, पूरे डायलिसिस के लिए। वो पूरी ट्यूबिंग के अंदर जो ब्लड घूमेगा वो कभी भी क्लॉट है, 1 ml मिलाते हैं मोस्टली। अरे कोई डाउट है बच्चों, चले आगे। इसके अलावा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीवीपी लाइन फ्लश के लिए, किसके लिए, आपने देखा होगा सीवीपी लाइन जो अपन फ्लश करते हैं कंटिन्यू, जिनको सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन होती है, आर्टरी लाइन डली होती है, उनके अपन साइड में एक 500 ml की बोतल हैंग करके रखते हैं, कितने ml, 500 ml एनएस हैंग करके रखते हैं, और बीच बीच में सीवीपी को अपन जीरोइंग करते हैं मैनोमीटर की मदद से, और कैथेटर को प्लस करते रहते हैं बीच बीच में सीवीपी की रीडिंग देखने के लिए, सेंट्रल वेनस प्रेशर को देखने के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि सीवीपी लाइन के लिए जो अपन फ्लश करने के लिए एनएस यूज करते हैं, उसमें कौन सी ड्रग अपन बेटा मिक्स करके रखते हैं, तो हेपरिन, कौन सी, हेपरिन बेटा, क्लियर है। और कितनी मिलाते हैं, तो यहां मिलाते हैं बेटा 500 ml में आपका 0.1 ml, 0.1 ml का मतलब 500 यूनिट, कितने यूनिट, अरे 1 ml बराबर 5000, तो 500 का मतलब 0.1 ही हुआ ना, 10 का भाग दे दो, तो यहां पे रेशियो कितना है, 1 ml बराबर 1 यूनिट, 1:1 के रेशियो मिला के रखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है कि सीवीपी लाइन जो लगा रखी है तो उसको फ्लश करने के लिए कौन से ड्रग यूज करते हैं, हेपरिन, एनएस से अपन फ्लश करते हैं, और ड्रग कौन सी यूज करते हैं अपन, हेपरिन यूज करते हैं बेटा, तो डायलिसिस में यूज लिया जाता है। किसी मरीज को बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आपका एट्रियल फिब्रिलेशन, अरे क्या हो, या एट्रियल फ्लूटर हो, एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लूटर क्या होता है, फिब्रिलेशन कब होगा, जब एट्रियल कॉन्ट्रक्शन रेट कितने ज्यादा हो, 350 बीट पर मिनट से ज्यादा हो, और फ्लूटर कब होता है, जब 250 बीट पर मिनट से ज्यादा हो, 250 से 350 के बीच में एट्रियम अगर इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों एट्रियम कौन से, राइट और लेफ्ट एट्रियम अगर इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करें और उनकी बीट 250 से 350 के बीच में रहे, तो ये तो क्या कहलाता है, एट्रियल फ्लूटर। और जब ये कितने से ज्यादा हो, 350 बीट पर मिनट से क्या हो, ज्यादा हो, तो कंडीशन क्या कहलाती है, एट्रियल क्या, फिब्रिलेशन, जिसमें अपने पढ़ा था फ्लूटर के अंदर 60th अपीयरेंस ऑफ पी वेव देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, अरे बस में, तो एट्रियल फ्लूटर या एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। अब ये क्यों देते हैं, आप कहोगे सर एट्रियम की प्रॉब्लम क्यों देंगे, तो क्या होगा, जैसे ये एट्रियम है ना आपका, ये आपका लवली हार्ट है बेटा, ये एट्रियम क्या करेंगे, फड़फड़ाएंगे, तेजी से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अंदर की जो एंडोकार्डियम है वो क्लोट बनाने लग जाएगी, क्लोटिंग फैक्टर रिलीज करने लग जाएगी, एंडोकार्डियम ज़्यादा क्लोटिंग
फिब्रिलेशन से, और यहाँ से क्लोट बनेंगे, ये क्लोट बेटा पल्नरी एम्बोलाई या कोरोनरी आर्टरी में या कैरोटिड आर्टरी में डिपॉजिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपका एट्रियल फिब्रिलेशन ऑफ फ्रूट में क्या रिलीज होता है बेटा, थ्रोम्बस रिलीज, थ्रोम्बस रिलीज होने लग जाता है। कहाँ से? वाइब्रेटिंग हार्ट से। हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो जो अब जैसे कोई चीज़ है, एक तो नॉर्मल तुम उसको काम करो, एक उसको ज़्यादा करोगे तो अंदर की जो एंडोकार्डियम है वो क्या रिलीज बनकर लग जाएगी, क्लोटिंग फैक्टर। और वो क्लोटिंग फैक्टर क्या करेंगे भाई, थ्रोम्बस बनने लग जाएंगे। वो थ्रोम्बस क्या करेगा, आपके ब्लड सेल्स को क्या कर देगा, ब्लो। तो उस क्लोट को नहीं बनने देना, क्या देना है, क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को नॉन एसटी सेगमेंट डिलेटेड एमआई है एंड स्टेमी, नॉन एसटी सेगमेंट डिलेटेड एमआई है, तो एमआई में भी इसका यूज लिया जाता है, क्योंकि एमआई का भी अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन मेन कारण है, टू प्रिवेंट थ्रोम्बस। हालांकि स्टेमी में भी यूज करते हैं, पर मोस्टली इसमें। चले आगे, एंड स्टेमी में यूज कर सकते हैं अपन बेटा। किसी को हार्ट फेलियर है, को डाउट है, या किसी को वाल्व क्या करे जा रहे हैं, ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या रहता है, सर्जरी के तुरंत बाद तो नहीं देना, लेकिन जब ब्लीडिंग ब्लीडिंग रुक जाए तो उसके बाद कोवलेशन ना, उसके लिए अपन को यूज करना है क्या, आपको हेपरिन का यूज करना है। अरे को डाउट है, इसके अलावा पल्नरी एम्बोलिज्म है किसी को, क्या है, अरे क्या है बालको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्नरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि कोई ट्रेवलिंग थ्रोम्बस कहाँ आके फंस जाए आपके पल्मोनरी आर्टरी में, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पल्नरी एम्बोलिज्म। अब पल्नरी एम्बोलिज्म होगा तो बताओ लंग्स को ऑक्सीजन होने के लिए बैठ जा पाएगा क्या? तो अगर पल्नरी एम्बोलिज्म तो अर्ली सिम्टम क्या बताओ, सडन सीवियर चेस्ट पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद ब्रेडी कार्डिया, एकदम हार्ट रेट क्या हो जाएगी, फॉलोवर्ड, और पेशेंट को सडन सीवियर क्या होगा, चेस्ट पेन, पल्नरी एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म हो रहा था उस स्थिति में, तो आपको क्या यूज करना है, हेपरिन। चले आगे, पल्नरी एम्बोलिज्म हो गया आपका अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे, किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीबीटी है, थ्रोम्बस बनना तो एंटीकोगुलेंट का काम करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, अरे को डाउट है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिटर्न पेशेंट में लंबे समय तक क्या बेड रिटन है, तो लंबे समय तक मुंह नहीं करता तो ब्लड वेसल्स में क्या बनने लग जाते हैं, क्लोट बन जाते हैं, तो वहां पे यूज लिया जाता है किसका, हेपरिन का, एंटीकोगुलेंट के रूप में। पर पहले आपको एपिटिटी देखना है कि कोई ब्लीडिंग के रिस्क तो नहीं है बेटा। और बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, सीएबीजी क्या चीज, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद तो डेफिनेटली देता है बेटा, 3 दिन तक देता है हेपरिन। अरे बस, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और अपन देते हैं वैसे नॉर्मली 5,000 यूनिट, 6,000 यूनिट, अलग अलग देते हैं अकॉर्डिंग टू, डिपेंड अपॉन क्लोटिंग फैक्टर कितने बन रहे हैं। तो सीएबीजी के केस में कोरोनरी आर्टरी बाईपास पोस्ट सर्जरी, क्यों, क्योंकि सर्जरी होने के बाद क्या होता बेटा, तुरंत नहीं देना है, तुमने सर्जरी करी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास करी, अब तुम ब्लीडिंग के रिस्क, अबे क्यों है कमबख्तो, आपने कोरोनरी आर्टरी बाईपास करी और ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 2 से 6 मिनट, और क्लोटिंग टाइम कितना, 4 से 8 मिनट, या 2 से 8 मिनट होता है, तो आपने लगाई, लगाने के बाद सुचरिंग कर दी तो क्लोट तो हो गया है ना, क्या हो गया, तो अब तुम हेपरिन दो ताकि भविष्य में और क्लोट ना बने। तुम ये सोच नहीं, सर अभी तो आपने सीबीजी करी है और आप हेपरिन दे रहे हो, अबे कमबख्त, हेपरिन सीबीजी हुए आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, अब तो क्लोट बन गया, अब थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन सर्जरी की वजह से किसकी रिस्क है, क्लोट बनने की रिस्क है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या देंगे, हेपरिन यूज करेंगे। अरे कोई डाउट है, इसके अलावा ईसीएमओ किसमें, ईसीएमओ में क्या होता है, ईसीएमओ मशीन में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, नाम सुना है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो मशीन आती है ना, ईसीएमओ मशीन, क्लियर, उस मशीन के अंदर भी अपन हेपरिन का यूज करते था कि क्लोट लोट नहीं बने, ईसीएम ब्लॉकेज ना हो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, और ये जो मशीन आती है उसके सर्किट के अंदर, सर्किट जो आते हैं ना उसके, उसमें यूज करते अपन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन जो मशीन आती है उसके सर्किट के अंदर हेपरिन मिक्स करते ताकि ब्लड क्लोट ना हो उसमें। चले आगे, बोलो भाई, इसके अलावा बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया भी इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है, अरे हेपरिन स्प्रे फॉर कोविड 19,
COVID-19 पेशेंट टू प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन एंड एंटीवायरल एक्टिविटी 70% तक फायदा मिला, हालांकि एक्सपेरिमेंट बाद में बंद कर दिया गया। जिन लोगों को COVID-19 था उसमें एपेरिन के नाक में क्या किए जाते थे, स्प्रे क्या किया जाते थे, 70% तक इफेक्टिव आई। नया डाटा है रिसर्च का, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, स्प्रे किए जाते थे नाक में। नाक में स्प्रे करने से क्या होगा, इस एपेरिन की क्या, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी है, दूसरा ये क्या करता बेटा, एंटीवायरल एक्टिविटी भी है इसकी हेपेरिन की, तो वायरस वगैरह को किल करता। फिर बाद में इसके एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए गए, क्लियर बेटा। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंजियोग्राफी में प्लस के लिए याद करो है, और डी डबल ल्यूमन डायलिसिस के, डीएलडीसी डबल ल्यूमन डायलिसिस कैथेटर, डायलिसिस जो कैथेटर होते हैं ना उनको पैकिंग करने में याद लिया जाता नहीं जाता इसका यू, डबल ल्यूमन डायलिसिस कैथेटर। अरे डायलिसिस कैथेटर लगा के रखते हैं अपन, तो उसको हेपरिन से पैक करते हैं कि नहीं करते आप, तो यूज होता ना वहां पे है डायलिसिस कैथेटर लगा हुआ देखा, या तो कहां पे होगा, जुगलार में या सबक्लेवन में, या मोस्टली कहां डालते हैं, फिमरल में। बेस्ट रहता आपका कौन सा, सबक्लेवन में बेस्ट रहता था कि इन्फेक्शन का खतरा, हालांकि वैसे प्रैक्टिकल बेस्ट कौन करते हैं लोग, फिमरल में। तो तुमने इसको कैथेटर को लगा रखा, अब ये कैथेटर क्या हो जाता है, ब्लॉक होने का खतरा, इसका डबल ल्यूमन होते हैं ऐसे डबल ल्यूमन। तो अपन क्या करते हैं, यहां इसमें एक अमल एपिरिन डाल के यहां से क्या कर देते हैं, पैक, ये पैक कर देते हैं ताकि ये क्लोट ना हो। फिर अपन इसको करके यहां से करते हैं, पहले बैक फ्लो करते हैं, अंदर फ्लश नहीं करते, और उस ब्लड को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डबल ह्यूमन डायलिसिस कैथेटर को अपन पैकिंग में यूज किया जाता है, किसका, आपका एंजियोग्राफी कर रहे हैं ना आप, तो एंजियोग्राफी की जो आपकी ट्यूबिंग है उसके अंदर आपको बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना, 1 से 2 यूनिट पर एमएल क्या मिक्स करना, हेपरिन मिक्स करना। एंजियोग्राफी करते तब एनएस डालते रहते ना बीच बीच में, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए है, कोई डाउट है वो क्या, ताकि ट्यूबिंग में क्या नहीं हो क्लॉटिंग। कितना मिलाते हैं कि एक अमल एनएस के अंदर कितना यूनिट होता है, 1 से 2 यूनिट, कितना यूनिट, 1 से 2 यूनिट। बट आजकल इसकी रिकमेंडेशन बढ़ा दी गई है, अब इसको सही कर लेना, 2 से 5 यूनिट तक कर दिया गया है। कितने यूनिट, 2 से 5 यूनिट पर एमएल, किसको, एंजियोग्राफी करते समय आपको लाइनिंग को फ्लश करने के लिए यूज लिया जाता है हर बात में। चले आगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, स्पेशली एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अपन क्या करते हैं, 100 ml ब्लड जाने के बाद अपन कैथेटर को फ्लश करने के काम लेते हैं, लेते हैं बेटी हेपरिन से, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अरे बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ब्लड, एंजियोग्राफी के दौरान, अरे बात। इसके अलावा ट्यूबिंग पैकिंग इन हार्ट लंग्स मशीन, हार्ट लंग मशीन देखी है, जो हार्ट लंग मशीन, जब आपकी बाईपास सर्जरी करते हैं अपन, ओपन हार्ट सर्जरी करें हार्ट की, तो हार्ट को बाईपास करने के लिए हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी वगैरह को ब्लड सप्लाई चाहिए, और सुपर इन्फ्रे वेने कावा को और आपके आयोटा को, और इन सबको किसे, एक मशीन से जोड़ देता है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ होता रहे, तो उसकी ट्यूबिंग क्लोट नहीं, उसको भी अपन हार्ट लंग मशीन की ट्यूबिंग को भी फ्लश किससे करते हैं, हेपरिन से। जहाँ ब्लड को बॉडी से बाहर लाना, चाहे ट्यूब में लाना है, कोई मशीन में लाना, वहाँ क्या मिक्स करना है आपको, हेपरिन। बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, अब बॉडी से बाहर चाहे आप डायलिसिस में कहाँ निकाल रहे हो, बॉडी से बाहर, अरे डायलिसिस कैथेटर में निकाल रहे हो, डायलिसिस की ट्यूबिंग में निकाल रहे हो, बॉडी से बाहर आया, तो वहाँ जब जहाँ पे भी आपको हेपरिन को, ब्लड को बॉडी से क्या करना है, बाहर ले जाना, चाहे ट्यूब में ले जा रहे हो आप या कई जगह ले जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या, किसका, हेपरिन का यूज लिया जाता है, नेचुरल एंटी कोगुलेंट। और कहाँ यूज होगा, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबीजी में, एबीजी एलाइसिस में जो सिरिंज है उसको क्या करते हैं अपन, हेपरनाइज करते ताकि कोगुलेशन ना हो। सिरिंज को अपन पहले इसमें रखना नहीं है, सिरिंज को क्या करना है, क्लियर, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करने से पहले अपन आर्टेरियल ब्लड लेते हैं यहाँ पे, तो अपने को सिरिंज को ताकि ब्लड क्लोट नहीं हो किससे एपराइज करना है, फ्लश करना है, लेना है और वापस उसी में डाल देना, देना। कोई डाउट है बच्चों, अरे बोलो भाई, अरे बस एबीजी, एबीजी में कौन सा टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट, कौन सा टेस्ट, पेटेंसी किसकी चेक करते हैं, अल्नार की, और सैंपल किससे लेते हैं, रेडियल से, याद रहेगा, सैंपल करते हैं रेडियल से, और पेटेंसी किसकी चेक करते हैं, अल्नार की। तो एबीजी एनालिसिस के लिए जो सिरिंज यूज होती है उसको क्या करना जरूरी है, हाइपरनाइज करना जरूरी है,
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। और बताओ इसके अलावा इंडस्ट्रीज में अपन मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इसका ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए, किसको स्टोर करने के लिए, ब्लड बैंक में इसका बहुत यूज लिया जाता है, काफ़ी जगह यूज होता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज में रेजिन्स को डाई होती है ना, डाई रेजिन्स और डाई है जो कपड़े पर डाई करते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, बाहरी तौर पर भी, मतलब कताई पता नहीं क्या यूज़ है पर यूज़ होता है वहाँ पर। तो ब्लड बैंक में रेजिन्स पर ये बॉडी में मेन बात करें अपन, तो ह्यूमन साइंस पढ़ रहे हैं वहाँ पर आइए। अरे कोई डाउट है इसके अलावा और बताओ। कंबक तो डार्क ग्रीन कलर का टॉप एक्यूनेटर आता है ना, अरे वायल आती है ना, अरे ब्लड वायल आती है ना, कंबक तो डार्क ग्रीन कलर की या ग्रीन कलर की वायल, ग्रीन टॉप वायल, उसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम हिपेरिन, समझ गए, सोडियम हिपेरिन, या इसको अपन बेटा लिथियम हिपेरिन के नाम से भी जानते हैं, या लिथियम सोडियम हिपेरिन भी होता है, लिथियम हिपेरिन हो सकता है या सोडियम हिपेरिन हो सकता है या सोडियम लिथियम हिपेरिन हो सकता है, किसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में होता है, किसके अंदर, ग्रीन टॉप वाले में। तो इस ग्रीन टॉप वाले में किस किस का सैंपल जाता है, या साबा सीरम अमोनिया, सीरम अमोनिया लेवल चेक करने के लिए ग्रीन टॉप वाइल यूज कर सकते हैं, समझ गए आप। और बताओ सीरम रेनिन लेवल, रेनिन कौन सा, ये सिंगल एन वाला जो कहां से आता है, जेजी सेल ऑफ किडनी से, वो वाला एल्डोस्टेरोन का लेवल को देखने के लिए, एल्डोस्टेरोन का लेवल देखना, तो उसके लिए इंसुलिन का लेवल देखना ब्लड में, तो सैंपल किस वाइल में जाएगा, यस समझ गए, किस किस में, ग्रीन टॉप वाइल में किस किस की सैंपलिंग ली जाती है, सीरम अमोनिया, ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना, रेनिन ब्लड रेनिन लेवल देखना है जैसी सेल से आता है, सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल देखना है, या सीरम किसका लेवल देखना है, इंसुलिन का, तो सैंपल किस वाइल में जाएगा, ग्रीन टॉप वाइल में। और ये जो वाइल है वो किस में काम आती है, मैं एपीडीटी भेजने का काम नहीं ले रहा हूं, एपीडीटी में कौन सी वाइल आती है, ब्लू कलर की, कौन सी, मैं क्या बता रहा हूं कि जो ग्रीन टॉप वाइल आती है उसमें क्या आता है, सोडियम हिपेरिन यानी हिपेरिन आता है, और वो एंटीकोगुलेंट के रूप में होता है यहां पे। और इस ग्रीन टॉप वाइल का यूज किसमें, सीरम अमोनिया सैंपल भेजने में, रेनिन सैंपल भेजने में, एल्डोस्टेरोन लेवल में, इंसुलिन का सैंपल भेजने में, सीरम इंसुलिन लेवल चेक करना है, उसके लिए अपन इन ग्रीन टॉप वाइल का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। चले आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा साइड इफेक्ट क्या है इसका, वेरी वेरी वेरी, ये यूजेस क्लियर है ना आपको, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताइए पर इनका, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो ब्लीडिंग रहती है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है, ब्लीडिंग किसका, हेपरिन। अब जरूरी नहीं कि ओपन ब्लीडिंग हो, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है जैसे कौन सा, अरे नजल ब्लीडिंग क्या कहलाता है, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस हो सकता है। और इंटरनल ब्लीडिंग में जैसे हेमाटेमेसिस, मेलेना, हेमाचूरिया, समझ गए। तो जरूरी नहीं कि ब्लीडिंग तुम देखते रहोगे बाहर आएगी, यूरिन कैसा आ रहा है, अगर हिपेरिन चल रही है और यूरिन कैसा आ रहा है, रेड रेड, तो तुरंत आपको क्या करनी है, हेपरिन को चल रही है तो रोकना है, एस्पिरिन चल रही है तो उसको रोकना है, जो भी वो जो एंटी प्लेटलेट या एंटी कोगुलेंट ड्रग को सबको क्या करना है, स्टॉप करना। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह की ब्लीडिंग हो सकती है, मोस्ट कॉमनली आपका ब्लीडिंग इज द कॉम्प्लिकेशन, इज इट क्लियर ऑर नॉट। नेक्स्ट हिपेरिन इंड्यूस्ड क्या हो सकता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, शाबाश। हिपेरिन की कमी, हिपेरिन देने से लंबे समय तक हिपेरिन देने से क्या हो सकता है, प्लेटलेट्स के काउंट क्या हो सकते हैं, कम, और प्लेटलेट्स कम होंगी तो ब्लीडिंग रिस्क और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसलिए जब भी हिपेरिन चल रही है तो पीटीएनआर के साथ साथ सीबीसी भी कराएं ताकि प्लेटलेट्स के काउंट को देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हिपेरिन डायरेक्टली बोन मैरो पे अटैक करती है और वहां पे प्लेटलेट्स के बनने की प्रक्रिया को क्या करती है, कम, तो हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रोड्यूस कर सकता है, किसकी वजह से, हिपेरिन के लंबे यूज की वजह से। अरे कोई डाउट है, और बेस्ट जो डोजेज रहती है अच्छा चलती है नाइट के समय,
कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, एक रूटीन वे में रात को अच्छा काम करता है हेपरिन सोते समय। तो हेपरिन इंड्यूस क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, क्लियर है? इसलिए एस्पिरिन और हेपरिन को साथ है, पर कितने घंटे? 6 घंटे। नहीं समझे? कितने घंटे? समझ गए आप? चले आगे। नहीं तो अवॉइड एस्प्रिन, क्लोपिडेग्रोल, एनएसएआईडीज विद हेपरिन, स्पेशली एस्प्रिन और क्लोपिडेग्रोल, ये दोनों एंटीप्लेटलेट्स है, उसके साथ हेपरिन को नहीं देना है। कोई डाउट है? अरे चले आगे, अभी कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। और बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाइपरकैलेमिया प्रोड्यूस करता है। कैसे रहा भाई? क्रोनिक यूज क्या प्रोड्यूस करता है? हाई। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए? व्हाई हाइपरकैलेमिया प्रोड्यूस? यस बेटा, हेपरिन क्या करता है बेटा? डिक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। किसको? अरे कंबक तो आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को क्या करता है? कम करता है। कौन? हेपरिन। अपने कहा था कि एल्डोस्टेरोन किसको बढ़ाता है? समानुपाती सोडियम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम। एल्डोस्टेरोन सोडियम के लेवल को बढ़ाता है और पोटेशियम के लेवल को क्या करता है? कम। बताओ हेपरिन किसको कम कर रही है? एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन कम होगा तो सोडियम भी कम होगा और कौन बढ़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है ना, इसलिए हाइपरकैलेमिया प्रोड्यूस होता है। तो कार्डियक रिस्क है, तो लंबे समय तक हेपरिन दे रहे हो तो आप सीरम पोटेशियम लेवल भी चेक कराते हैं। अबे समझ गए? को डाउट है? रेयर देखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, रेयर चांस में। एलोपीसिया प्रोड्यूस कर सकता है, रेयर होता है पर होता है। एलोपीसिया का मतलब लॉस ऑफ हेयर, गंजा, लॉस ऑफ हेयर, एलोपीसिया। अरे मेल पैटर्न, आदमी कहां से गंजा होता है? साइड से, यहां से। और महिलाएं कहां से टकली होती है? सेंटर से। लड़कियां कहां से टकली होती है? टाटली कहां से होती है? बीच में से। और लड़के का दंड टाट यहां से, कोड़े से, क्लियर? कोई ऑटो में टकली औरत बैठ के जाएगी तो क्या बोलोगे? अरे ऑटो में टकली ऑटो बैठ के जाए तो ऑटोमेटिकली ऑटो में टकली। चले आगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस और क्या प्रोड्यूस कर सकता है? एलोपेसिया। हाइपरकैलेमिया कर सकता है साइड इफेक्ट में, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लीडिंग आपका प्रोड्यूस कर सकता है बेटा। कौन? इज इट क्लियर ऑर नॉट? अरे बोलो भाई। चले आगे, तो ये हो गई किसके बारे में? साइड इफेक्ट के बारे में बात। किसके बारे में? हेपरिन के बारे में। एंटीप्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स के अकाउंट को कम करती है। चले आगे, दूसरा है ब्रीडिंग कर सकती है, समझ रहे आप? और क्या कर सकती है? हाइपरकैलेमिया प्रोड्यूस कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस और एलोपेशिया प्रोड्यूस कर सकती है साइड इफेक्ट में रूप में। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके? जल्दी कमेंट कीजिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हेपरिन, हेपरिन कहां यूज नहीं करना है? तो पहली बात तो अलोंग विद एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स लाइक एस्प्रिन एंड क्या क्लोपिडेग्रोल या एनएसएआईडी वगैरह के साथ लंबे समय तक यूज आपको अवॉइड करना है, क्लियर है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक किसी को क्या हो रखा है? पेप्टिक अल्सर हो रखा है तो वहां इसको मत लगा देना, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, क्लियर है? करंट सर्जरी हाल ही में क्या हुई है? पोस्ट ऑप आपको तुरंत यूज नहीं करना है करंट सर्जरी में, यानी तुरंत घंटे दो घंटे के अंदर यूज नहीं करना, जैसे ओपन सर्जरी है अरे पास में, तो घंटे दो घंटे यूज नहीं करना, ब्लीडिंग की रिस्क रहेगी। और बताइए, हीमोफीलिया वगैरह है? अरे डेंगू, चिकन गुनिया, क्लियर है? और जहां पे क्या हो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और रखो वहां पे भी इसका यूज है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या करती है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रोड्यूस करती है। कौन? कौशली यूज करना वहां पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके अलावा किसी को किडनी डिसऑर्डर है? क्या डिसऑर्डर है? किडनी डिसऑर्डर में इसको कौशली यूज करना है, किडनी में डैमेज कर सकती है, कौशली यूज करना है, यूज तो कर सकता है लेकिन कौशली यूज करना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया केस में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के केस में, लाइक पेप्टिक अल्सर है, करंट सर्जरी है, हीमोफीलिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, जहाँ पे प्लेटलेट्स कम होती है या जहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में आपको क्या यूज नहीं करनी है? हेपरिन को यूज नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात?
क्लियर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में सेपिन है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों जगह, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में दोनों जगह सेप है कौन, हेपरिन, इस बात को ध्यान रखना, हेपरिन सेप है कहां कहां पे, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों जगह, समझ गए मेरी बात, चले आगे। तो सेप इन प्रेगनेंसी एंड हेपरिन इज लैक्टेशन में आपका क्या है, सेप है। कौन कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में सेप है, पेरास्टामोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी प्लस पेन, उसमें क्वेश्चन आ चुका है, हेपरिन, और कौन सेप है, हेपरिन सेप है, इंसुलिन सेप है, थायरॉइड मेडिकेशन सेप है, पेनिसिलिन सेप है, एरिथ्रोमाइसिन सेप है, प्रेडनिसोलोन सेप है, ओंडम सेप है, ये सारे ड्रग क्या है, सेप है, किसमें, प्रेगनेंसी में, क्लियर है। पेरास्टामोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी प्लस पेन, ये जानेगा अगर पेन हो रहा तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाएगी, पीसीएम, सेप है आपका, क्लियर है। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया, ब्रीडिंग डिसऑर्डर वगैरह इन सब स्थिति में आपका हेपरिन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन सम कंडीशन में। इसके अलावा हेपरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अलोंग विद सार्स कोव टू वैक्सीन, किसके साथ, हेपरिन सार्स कोव टू वैक्सीन वाले के साथ भी नहीं देनी, वाई अरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड कोविड 19 वैक्सीन टू के साथ अवॉइड है, वाई बिकॉज ये सार्स कोव टू को प्रोड्यूस क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कौन सा, वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कौन, ये सार्स कोव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है और हेपरिन भी क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो दोनों में क्या होगा, डबल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ब्लीडिंग की रिस्क है कि नहीं है, अरे भैया उसी बात, अगर क्लियर और नॉट, तो जिनको सार्स कोव टू वैक्सीन लगी उसके 2-5-10 दिन के अंतराल में क्या नहीं देनी है, हेपरिन नहीं देनी, क्योंकि दोनों का साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग है, वाई बिकॉज दोनों क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटो वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसके द्वारा था, सार्स कोव टू वैक्सीन के द्वारा, और ये हेपरिन भी क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है, दोनों की वजह से क्या होगा, डबल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट्स काउंट क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है, नहीं भी आ रहा तो लेते रहना है, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अब ये तो हो गया एंटीडोट ऑफ हेपरिन, बताइए फेमस क्वेश्चन, अगर किसी पेपर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो नर्सिंग का पेपर नहीं माना जाएगा, अरे बस में एंटीडोट ऑफ हेपरिन कौन है, प्रोटामाइन सल्फेट, अगर हेपरिन की टॉक्सिसिटी हो रही तो क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट, क्लियर बच्चों, कितना देते हैं, हाउ मच, कितना देते हैं और कैसे देते हैं बताइए, हाउ एंड हाउ मच, तो 1 mg per 100 unit, मान लो किसी को 5,000 unit लगानी थी, कितनी लगानी थी, और तुमने 15,000 unit लगा दी, कितनी लगा दी, तो 10,000 एक्स्ट्रा होगी ना, कितनी एक्स्ट्रा होगी, यानी 10,000 unit की क्या हो गई, टॉक्सिटी हो गई, तो 1 mg के पितने कितना लगाना है, सॉरी 100 unit के पीछे कितना, 1 mg, तो 10,000 का मतलब 100 × 100 mg लगा दो, क्या, प्रोटामाइन सल्फेट, मान लो 500 दे दिया, 500 यूनिट ज्यादा चलेगा क्या, हेपरिन, इसकी वजह से क्या होगी, टॉक्सिटी, तो आप कितना लगा दो, 5 mg, क्योंकि 100 यूनिट एक्स्ट्रा देने पे कितना mg लगाना, यूनिट किसके लिए है, हेपरिन के लिए, और 1 mg उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इज इट क्लियर और नॉट, तो प्रोटामाइन सल्फेट अपन यहां पे एंटीडोट के रूल्स में यूज लेते हैं, तो ये तो बात होगी हेपरिन का आपका बेटा बेसिक आपका, क्लियर है। इसके अलावा एक दो कॉन्ट्राइंडिकेशन और ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंगू अगर एक IM रूट से कॉन्ट्राइंडिकेटेड अपने पढ़ा, क्योंकि ये क्या करती है, हेमाटोम प्रोड्यूस करनी, इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं देना, वाई, अरे हेमरेजिक स्ट्रोक में पहले से क्या हो रही है यार, ब्लीडिंग हो रही है, स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक, मैक्सिमम कौन से होते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक 85%, अब हेमरेजिक आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको एम्बोलिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, अब अरे एम्बोलिक स्ट्रोक किससे होता है आपकी, कौन सी में,
कैरोटिड में ब्लॉक होने की वजह से, और हेमरेजिक क्यों, ब्लीडिंग होने की वजह से, स्ट्रोक होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई होगी, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक आएगा। तुम नॉर्मली बिना मशीनरी के, बिना जांच के कैसे पता लगाओगे, वाइटल से कैसे पता लगाओगे? तो अगर एम्बोलिक स्ट्रोक है तो बीपीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उस स्थिति में। लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक में इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो बीपी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो उससे अपन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है बीपी कम हो रही तो आपको अवॉइड करना है किसको, जब तक कि आपकी पूरी जांच नहीं हो जाए। समझ रहे मेरी बात? तो हेमरेजिक स्ट्रोक में भी ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर कौन, आरबीएस। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, और एंटीडोट क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट कितना लगाते हैं, 100 यूनिट टॉक्सिसिटी पे कितना, 1 एमजी लगाते हैं। मान लो 2000 यूनिट दे दिया तो कितना एमजी लगाओगे, 20 एमजी न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अब किसी पेशेंट को क्या चल रही है, हिपरिन थेरेपी, अरे क्या चल रही है, तो आप उसका क्या मेजर करोगे, APTT, उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए क्या चेक करोगे, APTT, या इसी को PTT भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT यूज करते हैं किसमें, हेपरिन के साथ चेक करते हैं अपन, किसमें, हेपरिन के साथ। क्लियर बच्चों, चले आगे, या इसी को अपन ओल्ड नाम है KCCT, कोवलिन सिफेलिन क्लोटिंग टाइम, KCCT प्रीवियस ओल्ड नाम है इसका, ये कोवलिन और सिफेलिन टेस्ट में यूज लिए जाते थे, इसका दूसरा नाम क्या है, KCCT भी बोलते हैं, कोवलिन सिफेलिन क्लोटिंग टाइम, किसको पहली बार ही सुना होगा, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल, तो अपन को सीधा ध्यान रखना APTT चेक करता है किसके लिए, हेपरिन के लिए। सबसे पहले हेपरिन की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए अपन क्या चेक करते हैं, APTT या KCCT टेस्ट, कोवलिन सिफेलिन क्लोटिंग टाइम, कोवलिन और सिफेलिन जो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं जो क्लोटिंग टाइम को मेजर करने में काम में लिए जाते हैं, वायल में होते हैं, क्लियर है। तो कोवलिन सिफेलिन क्लोटिंग टाइम KCCT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम अपन यहां पे चेक करेंगे किस केस में, अगर हेपरिन चल रही है। अब बताओ सबसे पहले सैंपल किस में भेजोगे आप, ब्लू टॉप वैक्यूनेटर्स में, अरे टॉप कैसा होगा, ब्लू टॉप, इसके अंदर बताओ क्या मिक्स होता है, यस शाबाश बेटा, सोडियम सिट्रेट होता है, इस वाइल में एंटीकोगुलेंट कौन होता है, और सिट्रेट किसको बाइंड करता है, बाइंड द कैल्शियम, और आपको पता 14 क्लोटिंग फैक्टर में एक भी क्लोटिंग फैक्टर को बाइंड कर दिया तो क्लोटिंग होगी क्या, तो सोडियम सिट्रेट बाइंड द कैल्शियम, किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को बाइंड करता है, छोटी छोटी बातें और सलक्शन, समझ गए आप, कैल्शियम बाइंड, तो ताकि वो ब्लड जो अपन सैंपल भेज रहे हैं वो जमे नहीं, नहीं समझ रहे आप, यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन ये आपने सैंपल भेजा इसमें वाइल में, ये कैसा होना चाहिए, ब्लू टॉप, इसके अंदर क्या है, सोडियम सिट्रेट, तो ये कैल्शियम का, तो ये ब्लड जमेगा नहीं, बाकी और कोई यूज नहीं, क्लियर है, APTT, अरे कोई डाउट है, और मोस्टली जो PTINR कराते हैं वो रात को कराते हैं, फिक्स टाइम होता है 10 बजे सैंपल भेजते हैं नाइट में, स्पेशली एम्स में ICU में द बेस्ट इंटरप्रिटेशन टाइम, रात को 10 PM। चले आ गए, तो ब्लू टॉप वैक्यूनेटर, सोडियम सिट्रेट और बाइंड विद द कैल्शियम, थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इमोशनल मत हो गया करो, अरे बस में ब्लू टॉप वाले में भेजना, लगभग 2.3 से लेकर 2.7 ml के आसपास ब्लड भेजते हैं आप, ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, अब आइए बच्चों APTT क्या होता है बेटा, तो नॉर्मल जो APTT होता है वो कितना होता है, नॉर्मल APTT कितना होता है, 30 से 36 सेकेंड तक, या अपन कह सकते हैं 20 से 30 सेकेंड, ये लो सीधी बात, नो बकवास, 35 तक भी आप नॉर्मल मान लो, कोई बड़ी बुराई की बात है नहीं है, पर एवरेज कितना होता है, 20 से 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तो मान के चलना आपको नॉर्मल APTT होता है आपका, अरे समझ रहे हैं आप, एक तो होता है APTT, एक होता है PTINR,
और एक होता है पीटी। और एक होता है पीटीटी। तीन होते, पीटीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अरे बस में ये वाला एक तो था पीटी, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको बोलते हैं अपन, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है लेस देन 22 सेकेंड। कितने से कम? एवरेज होता है 14 से 16 सेकेंड। ये अलग है और वो पीटीएनआर अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना पीटीटी अलग है। अरे समझ मेरी बात, आगे समझाऊंगा मैं इसमें अंतर। तो सबसे पहले एपीटीटी पे आओ, एपीटीटी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो हाइपरिन थेरेपी चल रही है तो आप पीटीएनआर नापोगे कि एपीटीटी? तो सीधी बात है ना, अगर हाइपरिन चल रही तो आपको क्या मेजर करना है? एपीटीटी याद रहेगा, समझ रहे मेरी बात? क्या मेजर करना है? एपीटीटी। नॉर्मल एपीटीटी होता है 20 से 30 सेकेंड। अब हाइपरिन दे रहे हो तो एपीटीटी बढ़ेगा क्योंकि हाइपरिन कैसा है? एंटीकोगुलेंट, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं होने देगा क्योंकि ये कैसा है? इंट्रिंसिक पाथवे को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनने देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट नहीं होगा? थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन रुकेगा तो ये समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे ये पीटी का मतलब क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या होता है? आपके ब्लड कैस्केड मैकेनिज्म चलती है, कोगुलेशन स्टार्ट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन से आपका जैसे चोट लगी क्या हुआ? ब्लड किसके कॉन्टेंट में आया? थर्ड क्लोटिंग फैक्टर के एक्सटेंशन पाथवे, और 12वां कोलाजन के संपर्क में आया इंस्टिंक्टिंग पाथवे, और फाइनली 10वां एक्टिव होकर क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टर। फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टर किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में। तो ये जो थ्रोम्बिन बनने में, ये पूरी एक्सटेंसिंग इंस्टिंक्टिंग पाथवे और फिर थ्रोम्बिन बनने में समय कितना लगता है उसको क्या बोलते हैं? पीटी। नॉर्मली कितना होता है? 20 से 30 सेकेंड। अगर हिपेरिन चल रहा है तो ये लेट होगा कि नहीं होगा? क्लियर? पेशेंट विद हेपरिन थेरेपी, अरे किसके साथ है? अगर किसी पेशेंट को हेपरिन चल रही है तो पहली बात तो अपन क्या मेजर करोगे? एपीटीटी। ब्लू टोप वाले में भेजोगे आप जिसमें सोडियम क्या आता है? सिट्रेट मिक्स आता है एंटीकोगुलेंट के रूप में। दूसरा पेशेंट विद हेपरिन थेरेपी, पेशेंट को कौन सी थेरेपी चल रही है? हेपरिन थेरेपी चल रही है। तो उस स्थिति में हेपरिन थेरेपी के केस में पेशेंट को वेरी 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 इंपॉर्टेंट नॉर्मल कितना होना चाहिए एपीटीटी? तब उस समय आपका एपीटीटी रहेगा 60 to 90 सेकेंड। वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल नहीं है? जब क्या चल रही है हेपरिन? जब हेपरिन नहीं चल रही है, जैसे अभी अपने को हेपरिन नहीं चल रही तो अपना कितना होना चाहिए? लेकिन पेशेंट को क्या चल रहा है? कंटिन्यू हेपरिन चल रही है या वीकली दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, एन के एन प्रकार कंटिन्यू दे रहे हो, 24 घंटे आईवी इन्फ्यूजन चला रहे हो आप, कैसे भी दे रहे हो आप, लेकिन उस समय कितना मेंटेन रहना है? 60 से 90 सेकेंड। सेकेंड में नापते अपन कितना? 60 से 90 सेकेंड। इफ लेस देन 60 सेकेंड एपीटीटी कितने से कम है? क्लियर? देन आपको इन्फॉर्म द फिजिशियन। पहले तो किसको इन्फॉर्म करना है? फिजिशियन को, एंड देन उसके कहने पे इंक्रीज द डोज, डोज को इंक्रीज करनी। अबे समझ गए? इंक्रीज द डोज। तो 60 सेकंड से कम है तो इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड देन इंक्रीज द डोज। को डाउट है? और इफ एपीटीटी किससे ज्यादा? 90 सेकंड के ज्यादा है तो किसी को कुछ नहीं पूछना। सबसे फर्स्ट रोल क्या नर्स का? प्राइमरी नर्सिंग रोल, स्टॉप द हेपरिन थेरेपी या इन्फ्यूजन जो भी है आपको उसको स्टॉप करना है। क्लियर है? दूसरा क्या करना है? चेक फॉर एनी ब्लीडिंग। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है आपको? ब्लीडिंग को चेक करना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, एंड देन फिर इन्फॉर्म द फिजिशियन। छोटी छोटी बातें, और किसके बारे में बात? हेपरिन के बारे में बात। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई। अरे बोल दा, कोई डाउट है इसमें? तो ये तो बात होगी किसके बारे में बेटा? बात हेपरिन के बारे में बात। पहला एंटीकोगुलेंट, दूसरा हो बेटा कौन सा? यहां तक कोई डाउट है इस? किसी को डाउट तो होता ही नहीं, तुम बहुत होशियार हो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्या वारफेरिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमेडिन। क्या चीज? कॉमेडिन। वारफेरिन को क्या बोलते हैं अपन? कॉमेडिन बोलते हैं। क्लियर? वारफेरिन कॉमेडिन। क्या चीज? कॉमेडिन। इट इज आल्सो एंटी
कोगुलेंट, ये भी कैसा है, सेकंड नंबर का फेमस एंटी कोगुलेंट है बेटा, कौन वारफेरिन, क्लियर बेटा। काम कैसे करता है, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी विटामिन के एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन से विटामिन को इनहिबिट करता है, विटामिन के को, कौन, वारफेरिन। वारफेरिन विटामिन के को क्या करता है, एंटी है, विरोधी है। और आपको पता है कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 7, 9 और 10। अब और मेन कौन सा है, दूसरा प्रोथ्रोमिन, उसी से थ्रोमिन बनता है, थ्रोमिन से फाइब्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन। तो ये बड़ा कमाल का, तो विटामिन, ये वारफेरिन डायरेक्ट किसको इनहिबिट करती है, विटामिन के को। और विटामिन के इनहिबिट होगा तो क्या नहीं होगा, दूसरा, सातवां, नवा और दसवां क्लोटिंग, और एक भी नहीं बनेगा तो क्लोटिंग है नहीं होगी बेटा, क्लियर है। तो एंटी विटामिन की एक्टिविटी है इसकी। डोजेस की मैं अगर बात करूं तो 5 से 6 mg चलती है बेटा, एवरेज कंटिन्यू चलती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना हिपेरिन को अगर किसी सर्जरी से पहले स्टॉप करना तो 6 घंटे पहले स्टॉप कर दो, सफिशियंट है, क्योंकि उसका एक्शन कितने घंटे के लिए होता है, 6 घंटे के लिए, कोई डाउट है। वारफेरिन 5 से 6 mg तक चलती है आरिबास में, क्लूर। और एक्शन जो रहता है वो एटलीस्ट कितने दिन तक रहता है, 3 डेज तक, कितने डेज तक, 3 डेज। तो स्टॉप बिफोर 2 to 3 days ऑफ सर्जरी, कोई भी सर्जरी करनी है उस पेशेंट को क्या चल रहा है, वारफेरिन। तो हेपेरिन तो कितने घंटे पहले रोक दो, सेकंड, और इसको कितने घंटे पहले, 2 से 3 दिन पहले रोकना, क्योंकि इसका एक्शन कितने दिन, जैसे आज दी, कल दी, परसों दी, 4-5 दिन से या महीने भर से चल रही है, अब तुम सर्जरी आज प्लान करोगे तो आज जो कल ली ना डोज उसका असर आज रहेगा, परसों ली उसका भी रहेगा, तो आज रोक दो, 3 दिन बाद इसका असर उतरेगा, तब जाके सर्जरी करो, वरना इसका एक्शन रहेगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के सिंथेसिस को क्या। और एक और ध्यान रखना, जब शुरुआत करते हैं ना तब भी एक्शन कितने दिन बाद शुरू होता है, कैसे, ये विटामिन के बनने को रोकती है, लेकिन जो पहले से बना हुआ उसको थोड़ी खत्म कर सकती है, जो नया बन रहा है उसको क्या करेगी, रोकेगी, लेकिन जो पहले से बना हुआ उसको थोड़ी रोकोगे। तो एक्शन शुरू होने में भी 2-3 दिन लगते हैं और खत्म होने में भी 2-3। तो जैसे किसी को वारफेरिन देनी है और पहले से हेपेरिन चल रही है तो तुरंत बंद नहीं करना है, 2-3 दिन तक साथ में क्या देनी है, हेपेरिन और वारफेरिन। अब हेपेरिन से पेशेंट को किसमें शिफ्ट कर रहे हो, वारफेरिन पे, तो 2-3 दिन तक देनी है, फिर हेपेरिन को क्या कर देना है, बंद। और जब वापस इसको वारफेरिन बंद करनी है तो क्या करना है, 3 दिन तक वेट करें और फिर उसको किस पे ले आए, हेपेरिन पे, क्योंकि हेपेरिन का 6 घंटे में एक्शन खत्म हो जाता है, एकदम बंद भी नहीं कर सकते, क्लोटिंग हो जाएगी, कोई कार्डियक डिजीज के मरीज को प्रैक्टिकली करते हैं ऐसा। तो 3 डेज बिफोर आपको क्या करना है, सर्जरी के बिफोर 2 से 3 दिन पहले इसको स्टॉप करना है, डोजेस पास। रूट जो रहेगा मात्र एकमात्र रूट से अवेलेबल है, कौन से रूट पे, ओरली, किस रूट पे, ओरली रूट में, कौन, हेपेरिन, वारफेरिन बेटा। कोई डाउट है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, क्लियर है। और बेटा एक्शन में ये कौन से पाथवे को इनहिबिट करती है, यस, इनहिबिट कौन से पाथवे को, एक्सटेंसिक पाथवे, याद आ रहा है, हेपेरिन विटामिन के को रोकती है, और एक्सटेंसिक पाथवे में 2, 7, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, 10वां रुकेगा तो 10वां इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट होगा, क्या प्रोथ्रोमिन एक्टिवेटर बनेगा, और टोटल कितना एक्शन होता है इसका, प्रोथ्रोमिन एक्टिवेटर बनाने में 20% कितना, इनहिबिट एक्सटेंसिंग पाथवे, विटामिन की एक्टिविटी होती है बेटा। रूट अपन क्या देंगे, ओरली। यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो बेटा ये MI में यूज होती है, और MI में स्पेशली किसमें, ST सेगमेंट रिलेटेड MI में यूज करते हैं, जिसमें नेक्रोसिस हुआ वहां पे यूज होती है, कौन, क्लियर है। किसी को हाल ही में क्या हुई है, कार्डियक सर्जरी हुई है, तो मेंटेनेंस के लिए पेशेंट को डिस्चार्ज करे तो रोज हेपेरिन कहां से लगाए, तो वारफेरिन चालू कर देते। वाल्वुलर ट्रांसप्लांट के केस में, कार्डियक जो वाल्व ट्रांसप्लांट है उसके केस में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में, DVT के केस में अपन इसका यूज कर सकते हैं। एट्रियल फ्लूटर और फिब्रिलेशन के केस में, एट्रियल फ्लूटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो क्लॉट बनता है। किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो वहां यूज करते हैं इसको। MI में कार्डियो सर्जरी में स्पेशली जो वाल वाल की सर्जरी होती है ना, तो वहां इरेगुलर होते हैं तो वहां पे क्लॉट बन जाते हैं, इसको रोकने के लिए अपन यूज करते हैं इसका। चले आगे, या कोई आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, कौन सी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी क्या होता है, क्लॉट बनने के चांस ज्यादा रहता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई, कार्डियक सर्जरी हुई, वाल्वुलर ट्रांसप्लांट हुआ, या आपकी कार्डियक सर्जरी हुई है कोई, वहां पे यूज कर सकते हैं अपन, क्लॉट नहीं बनने देगा ये। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह हो गया, वहां पे अपन, जहां पे मेंटेनेंस की जरूरत है, जहां लंबा इलाज चलेगा और पेशेंट को अपन क्या नहीं दे सकते, रोज हेपेरिन लगाने नहीं जा सकते, पेशेंट अनट्रेंड है,
ज्यादा ऑपरेशन हो तो उसको क्या दे दो, एक गोली दे दो 5 mg की, 5 mg की आती कौन, कॉमेडिन, या इसको अपन क्या बोलते हैं, वारफेरिन। कोई डाउट है? साइड इफेक्ट देखिएगा इसका, सेम वही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, यस ब्लीडिंग बेटा। क्लियर बच्चों? ये भी क्या प्रोड्यूस करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एस्पिरिन के साथ अवॉइड करें इसको, नहीं देना इसको कभी भी, ब्लीडिंग कर सकते थे सर। इसका लौटा, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर है? अरे चले बाब। इसके अलावा ब्लू टॉस सिंड्रोम, साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि टिश्यू नेक्रोसिस करती है ये हेपेरिन, सॉरी ये वारफेरिन क्या करती है, आपकी बॉडी में जाती है और आपकी बॉडीज के जो टोज और यहाँ पे यहाँ के टिश्यू को डैमेज करती है, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्लू ब्लू पड़ जाएंगे, ब्लू टॉस सिंड्रोम कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन किसमें, प्रेगनेंसी में, वाई, बिकॉज ये बेटा कैसी ड्रग है, टेरेटोजेनिक ड्रग है। अरे कैसी ड्रग है, टेरेटोजेनिक, सुनो चले आगे, और लोग बदल जाएंगे, पढ़ाई पे फोकस करो प्यार यार, जैसा कुछ नहीं होगा। इरशाद अर्ज फरमाइएगा कि कैसे उसने ये सब छुपकर बदला, कैसे उसने ये सब छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, फिर घर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, फिर घर बदला, जिसके लिए मैं कहता फिरता था, जिसके लिए मैं कहता पड़ता था कि मेरा नाम बदल देना अगर ये शख्स बदला, तो उसने सब कुछ क्या कर दिया, बदल दिया। तो लोगों का भरोसा नहीं है, प्यार इश्क मोहब्बत ये सब क्या है, आभासी है, क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो उस पर ध्यान नहीं दें आप, किस पे फोकस करें आप, गोल पे, अरे बात में, अरे किस पे फोकस करें आप, गोल पे फोकस करें, समझ रहे मेरी बात। तो टेरेटोजेनिक आपका ड्रग है ये बेटा, कौन, तो कॉन्ट्राइंडिकेट, और टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या, अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसने क्या खा ली, वारफेरिन, तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती, तो स्टिल बर्थ हो सकती है, क्या बर्थ हो सकती है, LBW, लो बर्थ वेट इज वेट वेट हो सकता है बेटा, LBW हो सकता है, लो बर्थ, स्टिल बर्थ हो सकती है, अबॉर्शन हो सकते हैं, इतनी खतरनाक है, क्या कर सकती है, अबॉर्शन, अगर बच्चा बच के निकल गया तो लो फ्लैट नजल बोन, बच्चा जो पैदा होगा उसके क्या होगी, मान लो ये, मान लो अबॉर्शन LBW या कुछ भी हुआ, इससे बच के निकल गया, मान लो वारफेरिन लेने के बाद भी, तो उसकी नाक क्या होगी, बेटी, आर्यवास में लो फ्लैट नजल बोन, को डाउट है, डिस्प्लेसिया होगा बॉडी में बहुत सारा, और बहुत सारी आपका स्कोलियोसिस हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरे क्या हो जाएगा, स्कोलियोसिस, और स्कोलियोसिस हो जाएगा तो जब आप एक्सरे करोगे ना, तो एक्सरे में स्प्लिंटिंग साइन देखो मिलेगा, कौन सा साइन, स्प्लिंटिंग साइन, स्प्लिंटिंग साइन का मतलब, आपने वो कप नहीं देखे, अरे ये लड़के लड़कियां गिफ्ट करते ना प्यार में ऐसे, तो उसमें यूं ऐसे वो एक अजीब सी चित्रकार नहीं बनती है पुरानी स्टाइल की, तो ऐसे हड्डियाँ क्या हो जाती है आपकी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, और स्कोलियोसिस टेढ़ी बांकी हो जाती है, तो फीमर हिमर सब टेढ़ी हो जाएगी, तो ऐसी अजीब सी आकृति बनती दिखाई देती है, किसमें, एक्सरे में, स्प्लिंटिंग साइन कहलाता है, तो स्कोलियोसिस वगैरह जिस वजह से एक्सरे में क्या देखने मिलेगा, स्प्लिंटिंग साइन देखने को मिलेगा। चले आगे, अरे कप अप गिफ्ट नहीं करते क्या यार, आई बात में चलेगा, नहीं मेरे को कभी नहीं मिला ऐसा, दुर्भाग्य नहीं है, आई बात में चले आगे, लो फ्लैट नजल बोन, स्कोलियोसिस एक्सरे वगैरह देखने को मिलेगा, स्प्लिंटिंग साइन, कोई डाउट है, नेक्स्ट देखिएगा, और क्या हो सकता है पेशेंट को, लो फ्लैट ब्लड हो सकता है ना, ना मेंटल ट्रेडिशन नहीं होगा, बिल्कुल उठा के नहीं रखना है, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेंटल ट्रेडिशन क्यों होगा इससे, है क्यों भाई, हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, ब्रेडी डक्टाइली, शॉर्ट फिंगर एंड फिट, छोटी छोटी उंगलियां देखा होगा बहुत सारे, नाखून नहीं होते, छोटी उंगलियां होती है, शॉर्ट फिंगर और पैर क्या हो जाएंगे, थोड़े छोटे, धड़ बड़ा रहेगा, छोटे पैरों वाला, क्या कहलाता, ब्रेडी डक्ट, यानी ऑर्गन प्रॉपर विकास नहीं होगा उनका, ब्रेडी डक्टाइली देखो मिल जाएगा, दिस इज द क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी में देने का नुकसान है,
क्लियर है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है ये, अरे क्या करती है, साइड इफेक्ट क्या पड़ा था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद किसके साथ, एस्प्रिन, क्लोपिडेग्रोल, सब एंटीप्लेटलेट ड्रग है, एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। अगर आपका क्वेश्चन फंस जाए और यू पूछे जाए कि एस्प्रिन विच ऑफ एस्प्रिन इज कॉन्ट्राइंडेटेड विद अमोंग विच ड्रग्स, और ऑप्शन में हिपेरिन और वारफेरिन दोनों, कि किसको तो प्रायोरिटी किसको देना, वारफेरिन। वारफेरिन के दौरान साथ तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या है, कॉन्ट्रा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती, हिपेरिन के साथ भी नहीं देना है। अब तुम कहो सर आप तो कह रहे हो अबे कंबक तो जब उसका डोज का एक्शन कम हो जाएगा तो मेंटेनेंस के लिए अपन किस में ला रहे हैं, हेपरिन में, पर बाकी दूसरों के साथ में नहीं देना है। हेपरिन के साथ भी इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि दोनों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है, दोनों क्या है, एंटी कोगुलेंट। और इसके अलावा जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करा तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है लाइक हीमोफीलिया हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हीमोफीलिया हो गया, अभी रिसेंट क्या हुई है, सर्जरी हो रही है, किसी को जीआई ब्लीडिंग है, क्या है ये, अरे पेप्टिकल्चर है यार, पेप्टिकल्चर में क्यों नहीं देते, तो सीधा कारण है कि पेप्टिकल्चर में पहले से क्या हो रही है, ब्लीडिंग, ऑल ब्लीडिंग कराए गए, कोई डाउट है, किसी को पाइल्स वगैरह तो वहाँ पे अवॉइड करना, पहले से ब्लीडिंग हो रही है आपको, जहाँ ब्लीडिंग के चांस है, किसी को क्या है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट पहले से कम है, तो वहाँ पे ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेट, कौन, वाफेनी। और सर क्लियर नोट, एंटीडोट क्या है इसका, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन कौन सा बेटा, विटामिन के, आरिबास में कितना लगाते हैं, तो 2.5 से 5 mg आईवी या आईएम लगाते हैं अपन, और ध्यान रखना विटामिन के को स्लो आईवी दे, साइड इफेक्ट बताओ इसका, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ब्रेडिकार्डिया करता है। अगर आपको किसी को विटामिन के लगाना 10 mg, स्पेशली जो प्रोलॉन्ग जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है आईसीयू वगैरह में, उनको विटामिन के लगाना पड़ता है, क्योंकि कोगुलेशन ये जो वारफेरिन वगैरह हेपरिन चलती रहती है, उनको बीच बीच में डायलिसिस वगैरह होता है, तो उनको क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है, तो ब्लीडिंग के चांस रहता है, विटामिन के लगाते हो, तो कभी भी आपको उसको जड़ से नहीं लगा देना, सट से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, समझ रहे, बीपी फॉल हो जाएगी, हाइपोटेंशन होता बहुत तेजी से इसकी वजह से, हाइपोटेंशन स्पेशली हाइपोटेंशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी इसको रैपिडली नहीं देना विटामिन के को, क्या देना है, स्लो आईवी देना है। क्लियर बच्चों, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक साथ मेरे बार हो गया था, क्लियर, वारफेरिन विटामिन के स्लो आईवी ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करता है, हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करता है, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन विटामिन के एवरेज डोज 2.5 से 5 mg, क्लियर है, क्लियर है। अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी डिपेंड करता है, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी ज्यादा हो और PTINR आपका क्या हो गया हो, बढ़ गया हो 10 गुना से ज्यादा, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब तो क्या दोगे, विटामिन के की डोज आप 10 mg तक दे सकते हो आप, अगर 10 से ज्यादा है PTINR और नो ब्लीडिंग, नो एक्टिव ब्लीडिंग, और PTINR कितने ज्यादा चला गया, ग्रेटर देन 20, PTINR कितने ज्यादा है अभी पढ़ेंगे क्या होता है, 20 से ज्यादा है, और साथ में कौन सी ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग है, तो सबसे पहले तो वारफेरिन को क्या करना है, आपको स्टॉप करना, वो सब जगह करना है, इधर भी करना है वारफेरिन को स्टॉप, और साथ में क्या देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के तो देना ही देना है 5 से 10 mg, साथ में अपन लगाते बेटा FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अगर सीवियर क्या हो रहा है, PTINR बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ गई, वारफेरिन की डोज ज़्यादा चलेगी लंबे समय तक, तो FFP भी देना आपको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, कोई डाउट है, FFP चढ़ाते फिर विटामिन के साथ साथ, फिर बहुत ज़्यादा सीवियर अगर ब्लीडिंग के रिस्क है तो ओनली विटामिन के से काम नहीं चलेगा, क्या देना पड़ेगा, FFP। चले आगे, इसके अलावा एक और आता है प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रेशन PCC, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रेशन, प्रोथ्रोम्बिन का कंसेंट्रेशन आता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को कम करते हैं एक्सटेंसिंग पाते के द्वारा, तो उसको प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसेंट्रेशन भी दे सकते हैं, PCC भी देते हैं, FFP विटामिन के तीनों देते हैं, अगर सीवियर क्या हो ब्लीडिंग के रिस्क को, सीवियर क्या हो रहा हो वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो विटामिन के से काम नहीं चलेगा, जब कब जो PTINR कितने से ऊपर चला गया 20 से, तो बहुत ज्यादा एक्टिव ब्लीडिंग के रिस्क है, तो अपन विटामिन के देंगे, FFP और PCC भी देंगे, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, तो ये हो गया एंटीडोट किसका, आयुर्वेद। चले आगे, कोई डाउट है,
वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वारफेरिन थेरेपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिवनेस. अवॉइड हाई इंटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. एस्पिरिन वगैरह तो अवॉइड करनी है, लेकिन ज्यादा हरी सब्जियां भी नहीं खानी है. वाई? अरे हरी पत्तियोंदार सब्जियों में क्या होता है बेवकूफों, विटामिन के. अब तुम वारफेरिन भी दे रहे हो इफेक्ट लाने के लिए, और ऊपर से साथ में हरी सब्जियां खिला रहे हो तो विटामिन के भी, तो वारफेरिन काम करेगी क्या? ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा. तो वारफेरिन चल रही तो ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां ना दे. ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल डाइट तो दे सकते हैं आप, पर कोशिश करें अवॉइड करें आप. मतलब नॉर्मल बैलेंस डाइट तो देना ही देना है, पर बहुत ज्यादा हरी पत्तियां हो तो खाने लग जाए, अरे पावना कहा खेत में जाके चलने लग जाए, इमोशनल हो गए, तो उस स्थिति को अवॉइड करना. अभी पढ़ाना अपन ने, चले आगे. पावना का मतलब होता है जो जीजाजी जीजाजी, समझ गए आप? चले आगे. तो विटामिन के को आपको अवॉइड कर. अब चल रहा बेटा वारफेरिन चल रही है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वारफेरिन चल रही है, वारफेरिन थेरेपी चल रही है, तो इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए अपन क्या चेक करते हैं? पीटी. क्या चेक करते हैं? पीटी INR. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीटी INR. INR का मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, INR. INR. और पीटी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन टाइम. अब INR कोई टेस्ट नहीं होता, अपन टेस्ट जो करते हैं मेनली वो पीटी करते हैं बेटा. क्या चेक करते हैं? पीटीआईसी को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, पीटीटी. क्लियर? वो जो मैंने बताया था ना वो पीटीटी नहीं, वो टीटी है बेटा, थ्रोम्बिन टाइम. एक होता है टीटी, टीटी का मतलब होता है थ्रोम्बिन टाइम, वो उसको सही करना. और वो लेस देन कितना होना चाहिए? 22 सेकंड. एवरेज होता है 14 से 16 सेकंड. ये अलग चीज़ है, थ्रोम्बिन टाइम अलग चीज़ है. और अगर वारफेरिन ले रहे हो तो आप क्या चेक करना? पीटी. वो पीटीटी की जगह केवल पीटी कर देना, सॉरी टीटी, थ्रोम्बिन टाइम. और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दोनों अलग चीज़ है. थ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? 22 सेकंड से कम, यानी एवरेज 14 16 सेकंड के आसपास रहता है. और एक होता है पीटी, या इसको पीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम. नॉर्मल पीटी कितना होता रहे बेटा? 12 प्लस माइनस 2 सेकंड. किसमें? सेकंड में, या 11 प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं. एवरेज जो रेंज होती है उसकी बेटा 10 से लेके 14 सेकंड तक, ये एम्स के अकॉर्डिंग. अबे कितनी? 10 से 14 सेकंड तक. सदर मेरी बात सही है? क्लियर? अब इसका भी अलग अलग देखिएगा. मेल में कितना होता पीटी? 9.5 से लेके 11.8 सेकंड तक. और फीमेल में 9.3 से 11.5 सेकंड तक हो सकता है. यानी एवरेज अगर पूछे, अरे मेल में 9.5 से 11.8, यानी लगभग 9 से लेके 12, या अपन कह सकते हो 12 प्लस माइनस 2 सेकंड, यानी 10 से 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 और 2 कम करोगे तो, या कई बार 11 प्लस माइनस 2 भी सही है, यानी 9 से 13 सेकंड भी सही है. ये सब सही है वैल्यू. एम्स दिल्ली क्या मानता? 12 प्लस माइनस 2 सेकंड. जिपमर पांडिचेरी 11 प्लस माइनस 2 सेकंड मानता है. समझ मेरी बात? तो आपको आंसर एम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं. 12 प्लस माइनस 2 यानी 10 से 14 सेकंड. एग्जैक्ट पूछे तो मेल में 9.5 से 11.8 सेकंड, और फीमेल में प्रोथ्रोम्बिन 9.3 से 11.8. प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या है? अबे कम्बक तो जैसे चोट लगी तो क्लोटिंग की प्रोसेस चालू होगी, पूरी क्लोटिंग की प्रोसेस 2 से 8 मिनट में, यानी कम से कम 2 मिनट, और मैक्सिमम कितने? 8 मिनट. एक हेल्थी मनुष्य में जैसे चोट लगी तो एक्सट्रिंसिक इंस्टिंक्टिव पाथवे एक्टिवेट होंगे, क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन में. उसमें कितना समय लगना चाहिए? 10 से, यानी चोट लगते ही आपने तुरंत क्लोटिंग की प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए, तभी तो आपका 2 से लेकर 8 मिनट में क्लोटिंग हो जाएगी. बिना आपको कंप्रेस किए भी ब्लीडिंग क्या हो सकती है? रुक सकती है. जरूरी नहीं कि आप कंप्रेस करो ज्यादा, अगर मैसिव इंजरी नहीं हो तो. वेन पूरी कट गई उसमें तो टाइम लगेगा, फिर तो आपको करना पड़ेगा. बाकी माइनर सा स्क्रेप और ब्लीडिंग हो रही तो तुरंत रुक जाती है. नहीं समझे? तो ये होता प्रोथ्रोम्बिन टाइम. यानी पहले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या है कि पहले तो क्या बनेंगे? एक्सटेंशन और इंस्टिंक्शन पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? थ्रोम्बिन. तो इसमें टोटल समय कितना लगता है आपका? लगभग 12-14 सेकंड लगेगा. ये हो गया आपका रेशियो. अब आप पेशेंट को क्या दे रहे हो? वारफेरिन. वारफेरिन एक्सटेंशन पाथवे को क्या करती है?
किस पाथवे को रोकती है? हाँ साहब, एक्सटेंशन को रोकती है। तो बताओ, एक्सटेंशन को रोकी तो थ्रोम्बिन बनने में समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब कितना बढ़ना चाहिए, अब ये लड़ाई हो गई। कोई कह रहा है कि वारफेरिन चल रही है तो 40 सेकंड तक नॉर्मल है, कोई कह रहा है कि नहीं 50 सेकंड तक नॉर्मल है, जबकि होना कितना चाहिए 10-12 सेकंड, लेकिन वारफेरिन दे रहे तो 30 सेकंड, तो लड़ाई होने लग गई। तो फिर मेडिकल साइंस ने क्या किया, इसका एक रेशियो फिक्स कर दिया, अलग अलग देशों में अलग अलग मान रहे हैं। तो इस पीटी को मेजर करने के लिए अपने एक रेशियो दे दिया INR इंटरनेशनल की, कितना बढ़ना चाहिए विद नॉर्मल, नहीं वारफेरिन थेरेक के साथ। नॉर्मल तो INR कितना, 1 से 1.5 गुना। नॉर्मल INR कितना होता है, मतलब मेरे को वारफेरिन नहीं चल रही तो मेरा पीटी कितना आना चाहिए, 10 सेकंड। INR कितना, 1 से 1.5 गुना, तो 10 से 15 सेकंड नॉर्मल है, 15 सेकंड भी आ रहा तो नॉर्मल है। लेकिन मेरी रिपोर्ट कितनी आ जाए, 30 सेकंड, तो कितना बढ़ गया, 3 गुना। मेरे को वारफेरिन नहीं चल रहा तो मेरे लिए एबनॉर्मल है कि नहीं है? अरे बेजम गुस्सी की बात, तो ये लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है नहीं साहब, कोई कह रहा है नहीं, मेरे 20 सेकंड तक पीटी नॉर्मल है, फिर गड़बड़ होगी, 20 सेकंड जाता तो ब्लीडिंग होने का रिस्क है। तो ये लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, इंटरनेशनल नॉर्मल रेशियो। कोई लैब कह रही कि नहीं 3 गुना तक बेटर है, कोई 4 गुना तक बेटर, तो फिर लड़ाई हो गई रेफरेंस हो। तो इसलिए क्या लाए कि नॉर्मल पीटी से INR 1 से 1.5 गुना तक क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल 1 INR का मतलब कितना होता है, 10 सेकंड के आसपास। तो 10 से 15 सेकंड, बताओ 10 से 15 की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपन नॉर्मल पीटी। अब बेटा INR को निकालने का सीधा सिंपल तरीका, INR बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेना, INR बराबर पीटी जो टेस्ट में आया और बटे हुए पीटी जो नॉर्मल है, ISI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, ISI पीटी, पीटी कोष्टक में टेस्ट पीटी है नॉर्मल, या ऐसे लिख लो पीटी नॉर्मल, पीटी जो टेस्ट में रिजल्ट आ रहा है और पीटी जो क्या है नॉर्मल है। अब सुनना मेरी बात, जैसे मेरे तुमने क्या कराया, तुमने मेरा पीटी INR चेक कराया, मेरा पीटी आया कितना, 10 सेकंड, तुमने टेस्ट किया, नॉर्मल भी पीटी का नॉर्मल कितना होता है, 10 से 14, तो 10 सेकंड, तो कितना हो गया मेरा INR 1 गुना, 1 से 1.5 गुना तक क्या है, नॉर्मल है। क्या है, पर नॉर्मल में तो लड़ाई नहीं होती, लेकिन वारफेरिन चलती है तो पीटी INR पीटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये झगड़ा होने लग गया। तो फिर इसको दर्शाने के लिए, तो ड्यूरिंग वारफेरिन थेरेपी पीटी कितना बेटा, अप टू 30 सेकंड क्या है, नॉर्मल है। अगर किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रही है, वारफेरिन भी नॉर्मल 5-6 mg रोज चल रही है, जो एक रिकमेंडेड अडल्ट डोज होती है वैसी, तो पीटी कितना, अप टू 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब INR कितना बड़ा, 2 to 2.5 गुना, अरे 12 सेकंड मान लो, तो 12 2 24 और आधा मतलब 6 30। अगर इससे ज्यादा है, INR कितना है, कैसे निकाला सर, तो पीटी टेस्ट में कितना आ रहा है, 30 सेकंड, INR कितना माना आपने, 12, तो 12 से 14 होता है, 12 मान लो, अरे मतलब 12 का भाग तो कितना, 2.5 गुना तक, तो 2 से 2.5 गुना तक INR क्या माना जाएगा, नॉर्मल। अगर कौन सी थेरेपी चल रही है, नॉर्मल, एक तो चल नहीं रही है तब तो पीटी कितना होना चाहिए, 10 से 14 सेकंड, 12 ± 2 और INR 1 से 1.5 गुना। लेकिन तुमने क्या चालू कर दी, तब पीटी बढ़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, एंटी कोगुलेंट, तो कितना बढ़ना चाहिए, 30 सेकंड के आसपास जाना चाहिए पीटी, यानी INR कितना बढ़ेगा, 2 से 2.5। और अगर हाई डोज दे रहे हो, तो हाई डोज वारफेरिन दे रहे हो, तो INR ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 गुना तक, यानी 45 सेकंड तक जा सकता है। पर यहां कंडीशन अप्लाई है क्या, हाई डोज वारफेरिन, अगर हाई डोज नहीं दे रही तो यह कंडीशन अप्लाई ही, क्वेश्चन में हाई डोज लग गया तो 3 से 4 गुना तक क्या माना जाएगा, नॉर्मल। लेकिन हाई डोज नहीं पूछा जाता है कि पेशेंट को वारफेरिन चल रही है तो INR कितना रहना चाहिए, तो 2 से 2.5 गुना। समय में पूछा तो सेकंड में, 30 गुना में। अगर इफ ड्यूरिंग नॉर्मल वारफेरिन थेरेपी, किसके दौरान, नॉर्मल वारफेरिन दौरान पीटी और INR, पीटी कितने से ज्यादा, 30 सेकंड से ज्यादा, और INR किससे ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा, इस केस में प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है, स्टॉप द डोज, या बेस्ट रहेगा होल्ड द डोज, डोज को क्या करें आप, होल्ड करें,
एंड इन्फॉर्म द सॉरी पहले चेक द ब्लीडिंग किसको रिस्क को ब्लीडिंग को कोई ब्लीडिंग के रिस्क तो नहीं है उसको चेक करना है एंड देन इन्फॉर्म द फिजिशियन पेज हम घुसेगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक अरे ये समझाया गया है कि जब वारफेरिन चलेगी तब INR और PT को तुलना करना आपको नॉर्मली तुम्हारा PT कितना है अभी मैं वारफेरिन नहीं लेता हूं तो मेरा कितना है 10-12 सेकंड है और INR कितना है 1/12 सेकंड को 1 INR मान लो आप ऐसा कोई वैल्यू नहीं है तो मेरा PT और INR कितना है PT 10 सेकंड है तो INR 1 ही है मतलब नॉर्मल है लेकिन वारफेरिन लूंगा नॉर्मली तो PT बढ़नी चाहिए क्योंकि एंटीकोगुलेंट ले रहा हूं तो कितना जाना चाहिए 30 सेकंड तक तो INR कितना 2-2.5 तक अगर INR कितना आ रहा है 5 तक बढ़ा हुआ इसका मतलब PT का टाइम बढ़ गया 30 सेकंड से ऊपर मेरे को क्या है ब्लीडिंग की रिस्क तुरंत क्या करना है पहले तो डोज को विदहोल्ड करना है फिर किसको चेक करना है ब्लीडिंग के रिस्क को और फिर किसको इन्फॉर्म करना है दिस इज होल अबाउट किसके बारे में चले आगे सैंपल किसमें जाएगा कोई ब्लू टॉप ऑयल कभी भी ले सकते हो कोई टाइमिंग भूखा होगा की कोई जरूरत है नहीं पर मोस्टली रात को 10 बेस्ट माना जाता PT INR ब्लू टॉप ऑयल में सैंपल जाएगा किसका PT INR का बताओ PT INR और कहाँ कहाँ यूज में लिया जा सकता है देखो PT INR एक तो बेटा वारफेरिन थेरेपी के साथ करते हैं वारफेरिन चल रही है किसी को तो उसके साथ PT INR चेक करते हैं इसके अलावा विटामिन के स्टेटस को जानना तुम्हें तुम्हारी बॉडी में विटामिन के काम करा कि नहीं कर रहा अगर विटामिन के ज़्यादा काम करेगा तो PT INR क्या रहेंगे कम क्योंकि वारफेरिन का वो क्या है एंटीडोट है थ्रोम्बिन टाइम को इनहिबिट कर देगा किसी को लीवर डिजीज है लीवर डिजीज में क्या होगा थ्रोम्बिनोमिन बनेंगे क्या ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा रहेगी प्लेटलेट्स भी कम बनेगी तो अपन उसको लीवर डिजीज के केस में और COVID-19 में भी PT INR चेक किया गया वाई क्योंकि COVID-19 में क्या हो रहा था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ रही थी तो उसको देखने के लिए PT INR तो PT INR काफ़ी डिजीज के स्टेटस को देखने का काम आता है पर स्पेशली किसका वारफेरिन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए चले आगे और सक्सेस और अनसक्सेस आदमी के बीच में क्या था कि गुजर गया वो वक्त जब तेरा सजदा करता था नहीं समझे गुजर गया वो वक्त जब तेरा सजदा करता था यानी तेरे को सलाम करता था अब तो तू खुदा भी बन जाए तो सलाम ना करूं अब तो तू भगवान भी बन जाए ना तो भी सलाम ना करूं यहां पे किसका प्रदर्शन हो रहा है सख्त समझ गए होंगे नेक्स्ट देखिए चले आगे सिग्मा रूल जिसको बोलते हैं चले आगे PT INR वारफेरिन चले आगे और जिंदगी में बेहतरीन दोस्त बनाओ अच्छा पढ़ो अच्छे लोगों के साथ रहो जिंदगी में आप किसके साथ रहते हो ये बहुत मायने रखता है आई बात सुन अरे समझ गए अगर चावल दाल के साथ मिल जाए तो क्या बन जाती है खिचड़ी लेकिन वही चावल क्या कुमकुम के साथ मिल जाए तो माथे का क्या बन जाता है तिलक बन जाता है तो जीवन यही है बेटा आप किन लोगों के साथ रहते हो बहुत जरूरी है समझ रहे मेरी बात क्लियर है भाई तुम्हें किस बात की खुशी है चले आगे नेक्स्ट देखिएगा यहाँ तक डाउट है तो ये बात होगी PT INR की नेक्स्ट देखिएगा एक तीसरा एंटीकोगुलेंट EDTA एथिलीन डाई अमाइनो टेट्रा एसिडिक एसिड एथिलीन डाई अमाइनो टेट्रा एसिडिक एसिड थ्योरी पढ़ रहे अपन EDTA EDTA कौन सी वाइल आती है पर्पल या इसको क्या बोलते हैं लिवेंडर वाइल पर्पल का दूसरा नाम क्या है लेवेंडर टॉप ऑयल या वैक्यूनेटर जो आपको पता किस में काम में ली जाती है ESR CBC और HB A1C ये सब किस में जाते हैं EDTA वाइल में जाते हैं एथिलीन डाइमाइनो टेट्रा एसिडिक एसिड EDTA वाइल इसमें जो एंटीकोगुलेंट आता है वो कौन आता है एथिलीन डाइमाइनो टेट्रा एसिडिक EDTA काम कैसे करता है कि ब्लड को जमने देता कैसे साहब तो इसमें क्या पाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एंटी कैल्शियम एक्शन यानी ये किसको बाइंड करता है कैल्शियम को और आपको पता 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर है बॉडी से बाहर तुमने ब्लड को निकाल के सैंपल में डाला एक भी क्लोटिंग फैक्टर को पकड़ लो ब्लड क्लोट नहीं होगा ताकि सैंपल का रिजल्ट देख सके अपन क्लोट ही तो रोकना है सैंपल को तो कैल्शियम को ये क्या करता है बाइंड कौन EDTA एथिलीन डाइमाइनो टेट्रा एसिडिक एसिड चौथा एंटीकोगुलेंट होता कौन सोडियम सिट्रेट कौन सी वाले में आता रही इतना पीटूंगा भी मैं पकड़ के बेवकूफों
मैं नर्सिंग कर रखी है कि बीए करके आ गए हुए यहाँ ब्लू टॉप वाइल में, जिसमें सीरम अमोनिया लेवल, एल्डोस्टेरोन लेवल, रेनिन लेवल, याद आ रहा भी, इंसुलिन लेवल, सीरम चेक करने के लिए यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट, क्या चीज, सोडियम सिट्रेट, क्लियर है। नॉर्मली ये किस में मिला आता है, यस, ब्लू टॉप वाइल में, और इसका यूज किस में कहा जाता है, ब्लू टॉप का पीटी आईएनआर को नापने, वो उसमें सॉरी ग्रीन टॉप में कौन सा होता है, सोडियम एपेरिन, मैं भी भूल गया भाई, माफी चाहता हूं। नेक्स्ट है सोडियम सिट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी प्रवृत्ति है, एंटी कैल्शियम, किसके साथ बाइंड करता है, बाइंड विद कैल्शियम, क्लियर बच्चों, तो मैकेनिज्म। इसके अलावा ये सोडियम सिट्रेट पीआरबीसी को स्टोर करने में भी यूज लिया जाता है, है? क्या मिलाते हैं, सोडियम सिट्रेट मिक्स करते हैं उसमें, कितना 350 ml पीआरबीसी होते हैं ना, उसमें 30 ml क्या मिलाते हैं, सोडियम सिट्रेट मिलाते हैं, ये एंटीकोगुलेंट का, यानी लेब में यूज होता है, ब्लड ब्लड बैंक में यूज होता है, 350 ml आरबीसी होती है, तो ब्लड बैंक लेते हो उसमें से कितना 300 ml मिलाते हैं, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। इसीलिए अब जैसे तुमने मान लो ब्लड मिलाया, तुमने ये ब्लड आपका, सुनना मेरी बात, ब्लड का बोतल है उसमें 350 ml क्या मिला रखा है, तुमने फ्रेश ब्लड पीआरबीसी मिला रखा है या ब्लड मिला रखा है, अब ये ब्लड बैग में आया तो क्लॉट हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, देखना ब्लड जो बोतल आती है ना खाली बोतल, उसमें देखना थोड़ा पानी पानी से होता है, ये वही होता है सोडियम सिट्रेट, पहले से आता है इसमें, डायरेक्ट बोतल में लेते हैं ना ब्लड, अरे ब्लड डोनेशन कैंप में देखा नहीं, देखा तो देखना उसमें थोड़ा पानी पानी से आता है 30 ml के आसपास, 10 से 30 ml के आसपास, तो सोडियम सिट्रेट होता है, क्या होता है। अब जैसे तुमने ब्लड इसमें डाला, तो ये सोडियम सिट्रेट इस ब्लड में से किसको बाइंड कर लेगा, और आपको पता है कैल्शियम कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, चौथा, एक भी क्लॉटिंग फैक्टर बाइंड हो गया तो क्या होगा, कोगुलेशन नहीं होगा, और ये ब्लड लगभग जितने दिन 35 से 42 दिन तक स्टोर रखते हैं इसको, नॉर्मल 35 दिन, मैक्सिमम 42 दिन तक आपका ब्लड बैंक में यूज करने से पहले रख सकते हैं इतना, तब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब इसका नुकसान क्या है, जैसे ब्लड तुमने लिया ब्लड को स्टोर कर रखा है, 10 दिन बाद ब्लड को चढ़ाया तुमने, या 1 दिन बाद चढ़ाया, या 15 दिन बाद चढ़ाया, 42 दिन से पहले चढ़ा दिया, तो ये जैसे बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी में ये सोडियम सिट्रेट क्या करेगा, हाइपोकैल्शियमिया, कारण क्योंकि ये ब्लड में भी कैल्शियम को बाइंड करता है, और फिर बॉडी में जाएगा तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको भी कैल्शियम को क्या करेगा, क्योंकि अभी है ना ये मरा थोड़ी है, जिंदा है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैल्शियमिया। अबे समझे नहीं समझे, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का साइड इफेक्ट क्या होता है, अबे भेजे में घुसी, तो दो काम है, ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने में काम में ले जाता है, सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं, ये किसको बाइंड कर लेता है, कैल्शियम को, और कैल्शियम को जैसे बाइंड करेगा तो हैं ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जब तक जिंदा रहेगा ब्लड, जो 35 से 42 दिन तक स्टोर रखते हैं अपन पीआरबीसी को। अब तुमने जैसे वो पीआरबीसी जिसमें सोडियम सिट्रेट मिक्स है एंटीकोगुलेंट रूप में, वो तुमने बॉडी में डाला, तो बॉडी में जाके वही काम करेगा, आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है स्पेशली जो ब्लड में उसको क्या करेगा, बाइंड, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैल्शियम। इसके अलावा ये सिट्रेट है, अरे ये कौन है कंबकतो, ये सिट्रेट ब्लड में जाएगा, अरे कहाँ जाएगा यार, और ब्लड से कहाँ जाएगा, लीवर में, और इस सिट्रेट को ब्लड किस में तोड़ेगा, बाइकार्बोनेट में, अरे किस में, और अब सिट्रेट का मतलब एसिडिक नहीं होता है, सिट्रेट किस में टूटेगा, बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट में टूटेगा तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से मेटाबोलिक क्या होंगे, एल्कोलोसिस। इसलिए ज़्यादा ब्लड देते हैं तो क्या होगा, एक दो यूनिट से नहीं होगा, लेकिन मान लो किसी को सीवियर हेमरेज हो गया, कई बार 8-8, 10-10 बोतल चढ़ा देते हैं, 16-16 बोतल चढ़ा रखी हमने, एक बार पूरा ब्लड ही बह जाता है, कई बार क्या एक्टिव ब्लीडिंग होती है, मान लो ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, तो इधर से ब्लड चढ़ा रहा है, उधर से जा रहा है, कई बार पेशेंट बचते नहीं बचते, लेकिन चढ़ाते तो सही प्रिवेंटिव मेजरमेंट, तो 16 ब्लड 10 यूनिट चढ़ा दिया, अब ज़्यादा चढ़ा दिया तो 15 बोतल के साथ कितना, 15-45, 450 ml का चला गया सिट्रेट, और सिट्रेट कैल्शियम को क्या करेगा, बाइंड, तो हाइपोकैल्शियमिया होगा तो क्या, अरे वोल्ट जनरेट होंगे, ठंड लगेगी नहीं लगेगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर, तो राइगर होगा कि नहीं होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ठंड लगेगी। दूसरा क्या होगा, ये जितना भी सिट्रेट है जो ब्लड में था वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइकार्बोनेट में, तो ज़्यादा ब्लड दोगे तो जितने ब्लड में कौन बढ़ जाएगा, सिट्रेट का मतलब एसिडिक नहीं है, सिट्रेट का मतलब सिट्रिक एसिड नहीं है, सिट्रेट किस में बदलेगा, बाइकार्बोनेट, कौन बदलेगा, लीवर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का साइड इफेक्ट हाइपोकैल्शियमिया, लो ब्लड टेम्परेचर, क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है तो वोल्ट जनरेशन एबनॉर्मल होगा, आपका पंप गड़बड़ होगा, और मेटाबॉलिक क्या होगा, एल्कोलोसिस, और ज़्यादा ब्लड हो गया तो आरबीसी में स्टोर पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया साइड इफेक्ट हो गया, फ्लूड ओवरलोड हो गया,
दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सोडियम सिट्रेट. और कौन सी वाइल? ब्लू वाइल में क्या आता है? सोडियम सिट्रेट. पीटीएनआर भेजने काम आती है. अरे बोलो राजाओं, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन. और कौन सी टॉप वाइल में? ब्लू टॉप वाइल में पीटीएनआर वगैरह. और क्या जाता है इसमें? ब्लू वाइल में ब्लू आईज तेरी हिप्नोटाइज करती है मेरू. नेक्स्ट पांचवा क्या होता है? सोडियम ऑक्सलेट. नाम सुना है सोडियम ऑक्सलेट? ये सोडियम ऑक्सलेट भी क्या होता है बेटा? एंटी कैल्शियम एक्टिविटी होती है इसकी भी. ये भी किसको बाइंड करता है? ये भी काफी जगह यूज लिया जाता है ब्लड बैंक वगैरह में. सोडियम ऑक्सलेट भी आता है. सोडियम ऑक्सलेट भी किसको बाइंड करता है? कैल्शियम को. एंटी कैल्शियम एक्टिविटी. और कैल्शियम आपको पता है कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है? चौथे नंबर का, फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर. एक भी क्लोटिंग फैक्टर रुकेगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी. ये बात होगी बेटा एंटीकोगुलेंट. अब एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूं. क्लियर बच्चों? आप पीआरबीसी स्टोर करते हो ना, पैक्ड रेड ब्लड सेल, उसमें इसकी लाइफ स्पान को इंक्रीज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका. अपन क्या मिक्स करते हैं उसमें? देखो पीआरबीसी स्टोर कर रहे हो तो ब्लड तो है, और ब्लड में क्या आरबीसी है? एंटीकोगुलेंट में रूप में क्या बुलाओगे? सोडियम सिट्रेट. साथ में इसमें मिलाते हैं बेटा डेक्सट्रोज. क्या मिलाते हैं? डेक्सट्रोज. वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका डेक्सट्रोज का जो पर्पज है टू इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी. कारण क्या? तुमने आरबीसी डाल ली, जिंदा है ना आरबीसी अभी. अब तुमने बॉडी से बाहर निकाल के पैक में डाल दिया तो इनको ग्लूकोज कहां से मिलेगा है? अरे ग्लूकोज कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो आरबीसी मर जाएगी. तो तुम उसके अंदर क्या मिक्स करो? डेक्सट्रोज. तो आपको पता है ये क्या करेगी? 35-42 दिन तक, जब तक पीआरबीसी कितने दिन तक स्टोर करते हैं? 35-42 दिन तक. बेस्ट कितने दिन तक? 35 डेज इज द बेस्ट. मैक्सिमम कितना? 42 दिन तक स्टोर रख सकते हैं आरबीसी को. अब ये जब तक यहां पर रहेगी तब तक उसको खाने के लिए क्या चाहिए? तुमने बाहर निकाल दिया फिर भी सेल तो जिंदा है तो उसको खाना चाहिए. तो ये कहां से लेगा? डेक्सट्रोज से. डेक्सट्रोज से लेगा तो लाइफ स्पान बढ़ेगी बढ़ेगी. अब कह रहे हो साहब ऑक्सीजन नहीं है. क्या नहीं है? तो कौन सा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा? एनोरबिक. एनोरबिक में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड बनेगा तो जब तक ब्लड रहेगा उसकी पीएच कैसी रहेगी? एसिडिक. एसिडिक रहेगी तो इन्फेक्शन का खतरा क्या रहेगा? कम. तो कुल मिला के आरबीसी की लाइफ स्पान क्या हो रही है? बढ़ रही. ये क्वेश्चन आया एम्स में कि ब्लड को स्टोर करने के लिए उसमें डेक्सट्रोज को मिक्स करते हैं आरबीसी की लाइफ स्पान. मकसद क्या है? आरबीसी को क्या मिलेंगे? डेक्सट्रोज का मतलब ग्लूकोज, शुगर मिलेगी. और शुगर ग्लूकोज खाएगा स्टोर आरबीसी, और क्या करेगा? आपका पीआरबीसी स्टोर रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, इस बात को ध्यान रखना. इज इट क्लियर ऑर नॉट? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन. ये बात हो गया बेटा किससे रिलेटेड? सारे थ्योरी. किस किस के बारे में डिस्कस किया आपने? हेपरिन और वारफरिन. क्लियर है? अब अपन कुछ यहां पे धमाकेदार क्या पढ़ लेते हैं? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा. चलेगा प्यारे बालकों, मैं देखता हूं आपने मेरी मेहनत का फल कितना दिया है. ऑनलाइन वाले सभी सुन रहे हैं मेरे? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलेगा. पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट सेल एंड प्रोटीन इज नोन एज. नोन एज क्या कहलाता है? सीरम. सीरम क्या होता है बेटा? अपने कल भी डिस्कस किया, सीरम बराबर प्लाज्मा प्रोटीन माइनस, यहां लिख रहा हूं समझ में नहीं आएगा आपको, सीरम बराबर प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा प्रोटीन कौन होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन. और उसमें 13 के 13 क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर. उसमें से किसको बाकी निकाल दो? फाइब्रिनोजन को. किसको बाकी निकाल दो? हैं? प्लस और किसको बाकी निकालो? क्लोटिंग फैक्टर 2, 5 और 8, 258. फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर को बाहर निकाल दो, बचेंगे क्या? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन और 10 क्लोटिंग फैक्टर इंक्लूडिंग कैल्शियम. उसको क्या बोलते हैं अपन? सीरम. चोट लगने के बाद जो चिपचिपा आता है वो सीरम कहलाता है. समझ रहे मेरी बात? डब्ल्यूबीसी विच रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन. बेसोफिल. जिनको अपन क्या बोलते हैं? मास सेल भी बोलते हैं. तुम्हारे लेवल के भी आएंगे, टेंशन मत लो, अभी सीएचओ लेवल के आ रहे हैं. बिफोर कोलेसिस्टेक्टोमी द फिजिशियन ऑर्डर विटामिन के. कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ गाल. कौन सा इंसिजन लगाते हैं? कोचर इंसिजन. गाल ब्लैडर सर्जरी में कौन सा इंसिजन? अगर ओपन करना है तो 3 से 4 सेंटीमीटर
यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोचर इंसिजन। एक होता है कोचर हुक, एमनियोटिक हुक होता है वो, अरे पास में क्लियर है, विजिजन ऑर्डर विटामिन के। तो कोलिसिस्टोमी से पहले किसका ऑर्डर मिला है, विटामिन के देने का। तो नर्स अंडरस्टैंड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिकॉज इट यूज टू फॉर्मेशन ऑफ। अब आपको समझ आने की विटामिन क्यों क्या दे रहे हैं, तो विटामिन के किसको बनाएगा, अबे विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, 2, 7, 9 और 10। तो बताओ प्रोथ्रोमिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर का, तो किसको बनाने में हेल्प करता है, प्रोथ्रोमिन। अब सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद प्रोथ्रोमिन बनना जरूरी है, वरना ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, इंटरनल सर्जरी हो रही है आपका। प्रोथ्रोमिन टाइम ऑफ प्लाज्मा इज प्रोलॉन्ग्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीटी, किससे बढ़ेगा, ब्लड में, प्लाज्मा मतलब ब्लड में, विटामिन के देने से उल्टा प्रोथ्रोमिन टाइम क्या होगा, कम। एंटीकोगुलेंट थोड़ी है, डिकोमोरोल कैल्शियम और विटामिन या प्रोटीन या मिनरल, तो कौन सी ड्रग देने से, डिकोमोरोल, दिस इज आल्सो ए एंटीकोगुलेंट, ये नया है आप थोड़ा ध्यान रखना, डाइकोमोरोल इज ए एंटीकोगुलेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, पहला क्लोटिंग फैक्टर होता है कौन सा, फाइब्रिनोजन, 200 से 400 मिलीग्राम पर डीएल, जो कि क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोमिन सेकंड। ऑल क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस बाय लिवर एक्सेप्ट, सारे के सारे किससे बनते हैं, किसको छोड़ के, कैल्शियम को छोड़ के। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्लोटिंग फैक्टर, विटामिन के, इसलिए इसको कोगुलेशन विटामिन भी बोलते हैं। विच विटामिन इज डेफिशिएंट इन न्यूबॉर्न एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग, न्यूबॉर्न में किसकी कमी होती है, विटामिन के की, इसलिए अपन आई एम रूट से वास्टस लैटरस मसल्स में टर्म में 1 ml और प्रीटर्म में 0.5 ml अपन क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं, क्योंकि गट स्टाइल होती है उसकी। डायट्री फॉर्म ऑफ विटामिन के, K1, बताओ इसका नाम क्या है, फाइटोमिनाडियोन। और रिचर्ड सोर्स पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक सबसे ज्यादा, समझ गए आप, विटामिन के का बढ़िया सोर्स। मोस्ट कॉमन पाथवे इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, कौन से पाथवे ज्यादा होता है, इंस्टिंक्टिंग 80%, और हिपेरिन इसी पाथवे को ब्लॉक करती है, और वारफेरिन किसको। विच विटामिन डेफिशिएंसी सीन ड्यूरिंग क्रोनिक डायरिया, डायरिया में अपन ने पढ़ा था नॉर्मल फ्लोरा का लॉस होगा, तो विटामिन K1 किस में नहीं बदलेगा, K2 में, तो K की कमी होगी। सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड एज इट लैक, सीरम ब्लड से क्या है, अलग है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते हैं, अरे क्या नहीं होते, क्लोटिंग फैक्टर। द प्लाज्मा प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, फिब्रिनोजन, ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन। द लास्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन कौन सा, लास्ट प्रोसेस क्या बनता है, फाइब्रिन। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट बेटा, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट 1 mg/100 unit ओवर लोड ऑफ हिपेरिन एंटीडोट, 100 unit, 100 बोला मैंने, 1000 का बोला, अरे बांग बूंग तो काके नहीं आए बच्चों तुम। अमानो कैप्रिक एसिड किसका एंटीडोट है, अबे कंबक तो ऐसे था 100 unit, तो तुम इसको 0 समझ रहे थे, फिर मैंने वापस गोला घुमाया कि तुम बेवकूफ समझ जाओ, और बार बार 100 unit बोल रहा था, और मैंने ये भी कहा था कि मान लो तुमने क्या दिया, 2000 unit एक्स्ट्रा दे दिया, तो कितना दोगे, 20 mg, तो 20 × 2000 भाग दोगे तो 100 आना पर mg के पीछे, आज पास में चले आगे। अमाडोरोन किसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, कार्डियक डिसिप्लिन में, विटामिन के इज द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। इंजेक्शन हिपेरिन एक्ट ऑन द विच ब्लड क्लोटिंग पाथवे, इंस्ट्रक्शन पाथवे, ये वापस आ गया क्वेश्चन में, रिपीट हुआ, ड्रग दैट कैन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हिपेरिन, डेप्सोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एड्रेनालिन, हेपरिन, बाकी डेप्सोन
ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? लेप्रोसी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट लाइन ड्रग है किसमें? एटीटी में। इसके अलावा कोलेरा वगैरह में, इसमें प्लेग वगैरह में यूज आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसको डैमेज करती है? एर्थ क्रेनियल नर्व को। इसलिए प्रेगनेंसी में क्या कॉन्ट्रा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? एड्रेनालिन। वारफेरिन मेडिकेशन एक्ट ऑन विच ब्लड क्लोटिंग पाथवे? वारफेरिन किस पे? एक्सटेंसिंग पाथवे पे आपका काम करती बेटा। तो WHO कट ऑफ पॉइंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी एडल्ट वुमन कब? 11 ग्राम। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कितना ग्राम? 10 ग्राम तो क्या माना जाएगा एनीमिया का दादा? नया क्वेश्चन है आपके लिए। सेंट्रल लाइन कैथेटर शुड बी फ्लश विद हेपरिन, किससे? हेपरिन से। प्रोलॉन्ग पीटी सीन इन, प्रोलॉन्ग पीटी वारफेरिन थेरेपी के साथ। इसके साथ तो क्या बेवकूफ क्या दिखती है? एपिडिटी। और दोनों सबके साथ, इसलिए आलोप वो आएगा। लीवर डिजीज में भी पीटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर ही बढ़ाता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? आलोप अबो, डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग होमोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग? हेमोलाइसिस के दौरान हेपरिन का यूज करते हैं अपन, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू इज यूज टू असिस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी? बताइए। यस, अगर नॉर्मली तो आप क्या देखते हो? पीटी। लेकिन क्या चल रही है बाल को? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं देना, क्या यूज करते हैं अपन? INR, क्योंकि ये गुणा को बढ़ाता है कि कितना गुणा बढ़ना चाहिए विद नॉर्मल या हाई डोज वारफेरिन थेरेपी। नॉर्मल के साथ 2 से 2.5 गुना और हाई डोज के साथ कितना? 3 से 4 गुना तक आपका क्या बढ़ना चाहिए? INR। अबे समझ में आ रहा है? हेपरिन इज एंटीकोगुलेंट, व्हाट फैमिली ऑफ एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन डज द ड्रग बिलोंग टू? हेपरिन किस फैमिली से है? तो इनडायरेक्ट किसको इनहिबिट करता है? थ्रोम्बिन इनहिबिटर है ना, इनडायरेक्ट। yes, पढ़ा था अपन डायरेक्टली। बताइए आराम से, क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिए, वो तो सब इजी थे। विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब हाउ हेपरिन वर्क इन एंटीकोगुलेंट? किस कथन से पता चल रहा है जो नीचे दिए गए कथन उससे कि हेपरिन कैसे काम करता? पहला ऑप्शन, इट इनहिबिट क्लोटिंग फैक्टर फ्रॉम सिंथेसाइज विटामिन के, गलत जवाब है। ये किसका काम है? इतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब सिलेक्शन होगा, नो शेट, सीधी बात, नो बकवास, सीधा याद आना चाहिए। विटामिन के का कौन सा है? वारफेरिन। अरे कोई डाउट है? चले आगे, इट इनिकेट द एक्सटेंसिंग पाथवे, गलत है। हेपरिन सीधी बात किससे काम करता है? इंस्ट्रक्शन तो ये गया, बस उड़ा दो तुरंत। इट प्रिवेंट फैक्टर 10 फ्रॉम एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फाइब्रिनोजन। अबे कमबख्तों, फैक्टर 10 कैसे फाइब्रिनोजन को कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन करता है, ये भी गलत है। इट एनहेंस द एक्टिवेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड विच प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन एंड इट कन्वर्जन ऑफ, बिल्कुल ये किसको रोकता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थर्ड को रोकता है, जिसकी वजह से क्या नहीं बनता है? और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट नहीं होगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा? मजेदार क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, विच पेशेंट बिलो वुड बी एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेपरिन ड्यूरिंग थेरेपी? सेलेक्ट ऑल ऑफ द अप्लाई। क्वेश्चन को समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। वाई सी इज द आंसर, ए 55 ईयर ओल्ड मैन पेशेंट हु इज पोस्ट ऑप डे फॉर वन ऑफ ब्रेन एंड सर्जरी। तो एक दिन हो गया तो कोई रिस्क है? क्योंकि क्लोटिंग हो चुकी है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसके इसको अवॉइड नहीं करना। ए 45 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसमें तो देना है, अवॉइड क्यों करना है? ये क्या पूछ रहा है? हाई रिस्क मतलब अवॉइड किसमें करना है? इसमें अवॉइड कर सकते हैं लेकिन उतना रिस्की नहीं, क्योंकि एक दिन हो गया क्लोट बन चुका है, फर्दर क्लोट को नहीं बनने देगा। अगर तुम दौरान सर्जरी के दौरान दोगे तो उस समय क्या नहीं होने देगा? ये क्लोट नहीं बने देगा तो ब्लीडिंग रुके, लेकिन जब ब्लीडिंग रुक चुकी है और क्लोट बन चुका है, ये बने हुए क्लोट को प्रभावित है, ये भविष्य में क्लोट नहीं बढ़ने देता है, तो ये भी गलत है, ये भी आपका रिस्क में नहीं आएगा। ए 43 ईयर ओल्ड फीमेल विद अनकंट्रोल आर्टरी फिब्रिलेशन, तो इसमें तो उल्टा देते हैं, तो राइट आंसर क्या है? जिसको एक्टिव, एक्टिव क्या है? और आपको पता है पेप्टिक अल्सर है तो क्या होगी? ब्लीडिंग। और ऊपर से तुम क्या दे रहे हो? हेपरिन। तो और क्या करेगा ये? ऑलमोस्ट एक्शन मीट और, तो इसमें क्या करना आपको? अवॉइड करना, या यहाँ पे हेमेचूरिया लिखा हुआ होता, ये क्वेश्चन एम्स में आया था और ये 2015 एमएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने 2015 का एमएससी एग्जाम दिया था। अबे समझ रहे हो बेवकूफों, उसमें आया क्वेश्चन, ये मैं गलत करके आया था क्योंकि नॉलेज नहीं था मेरे को, अब समझ में आता है इसका मतलब क्या है। चले आगे, नेक्स्ट, योर पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन हेपरिन ड्रिप
हाँ मतलब जो लीजेंड है वो डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं, मुझे पता है तुम लोग हर है लीजेंड क्या डायरेक्ट कहाँ आते हैं कमेंट पे कि आंसर क्या होगा मुझे पता है, लेकिन तुम वो टाइप के लीजेंड नहीं हो बेवकूफ़ हो, समझ रहे आप। योर पेशेंट स्टार्टेड ऑन हिपेरिन ड्रिप, यू एडमिनिस्ट्रेट बोलस ऑफ हिपेरिन एंड स्टार्टेड द ड्रिप पर प्रोटोकॉल इज ऑर्डर बाय द फिजिशियन। पेशेंट को ड्रिप में क्या दे रहे हो, हिपेरिन चालू कर दिए। व्हाट विल बी यू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन, अगला एक्शन क्या है। कलेक्ट ए पीटी लेवल ऑफ 6 आवर पर प्रोटोकॉल, 6 घंटे के अंदर से पीटी लेवल चेक करें। कलेक्ट ए आईएनआर लेवल इन 4 आवर अपार्ट, कलेक्ट ए ट्रोपोनिन लेवल इन 6 आवर अपार्ट, या कलेक्ट ए एपीटीटी। तो सीधी बात है क्या चल रहा है हेपरिन, तो क्या चेक करना है एपीटीटी, और अगर वारफेरिन चल रहा होता तो पीटी आईएनआर, और उसमें भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, अलग अलग आ जाए तो क्या देना आईएनआर, आईएनआर इज द मेन। ए पेशेंट इज ऑर्डर टू स्टार्ट आईवी कंटिन्यूस हेपरिन ड्रिप, कंटिन्यू क्या देना है। Prior to starting the medication, the nurse would ensure what information is gathered correctly before initiating the drip. Very important. आपको हेपरिन चालू करने से पहले पेशेंट की क्या जानकारी लेनी है, वाइटल साइन, वेट, पीटीएनआर, ईकेजी, तो क्या देगा बेटा। अब हेपरिन है लेकिन ब्लीडिंग को तो कौन बढ़ाता है, ईसीजी का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, वेट एट ये बढ़ाता नहीं है, वाइटल साइन का कोई संबंध नहीं है ज़्यादा, तो किसको देखना है। हालांकि हेपरिन दे रखा फिर भी क्या देखना आपको, पीटी, क्योंकि ये ब्लीडिंग को बताता है, और देखिए मोस्ट कॉमन रिस्क क्या रहती है, हालांकि एपीटीटी राइट आंसर जाता है लेकिन क्वेश्चन फंसा हुआ इसलिए पीटीएनआर मानना पड़ेगा। पेशेंट इज रिसीविंग क्या, कंटिन्यूस आईवी हेपरिन फॉर द मेडिकेशन टू हैव ए थेरापेटिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट, एपीटीटी शुड बी, हेपरिन में एपीटीटी कितना होना चाहिए, थेरापेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ना, 2 क्वेश्चन है, पहला तो बात पेशेंट को क्या चल रही है हेपरिन, फिर कह रहा है कि थेरापेटिक इफेक्ट मतलब नॉर्मल, थेरापेटिक का मतलब क्या रहता है नॉर्मल, आरबीएस में तो कितना होना चाहिए नॉर्मल एपिडिटी, अगर हेपरिन चल रहा है तो 1.5 से 2.5 गुना, नॉर्मल कितना होता है 30 सेकंड, 2.5 गुना कितना हो गया 90, 30 दो 60, 2 गुना 60, और 2.5 गुना कितना हो गया 75, तो यानी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाए, यानी 60 से 90 से, अगर क्या चल रही है हेपरिन तब थेरापेटिक लेवल इसी से अचीव हो रहा है, बाकी और कोई मेस नहीं खाता है, हैं? ये 3.5 तो किससे ऊपर कूद जाएगा, 90 सेकंड से ऊपर कूद जाएगा तो ब्लीडिंग की रिस्क है, 2 से 3 सही हो सकता, सॉरी 2 से 2.5 नहीं, 20 इज द राइट आंसर, यस माफी चाहता हूँ 20 द राइट आंसर, 2 से 3 गुना, इसको सही करो बेटा 2 से 3 टाइम, हेपरिन चल रही है ना, हाँ तो 2 से 3 गुना नॉर्मल है ना, नॉर्मल कितना होता है पीटी, सॉरी एपीटीटी, अबे 30 सेकंड होता है, अगर क्या चल रही है हेपरिन चल रही है तो ये कितना होना चाहिए 60 से 90 सेकंड, तो मतलब कितना सेकंड, 60 का मतलब 2 गुना 30 दो 60, और 3 गुना का मतलब 90, तो 2 से 3 टाइम नॉर्मल है बेटा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल रेंज फॉर एन एक्टिवेटेड पार्सल, एपीटीटी की नॉर्मल रेंज कितनी है, 2 से 3, 20 से 25, गलत है सब, कितना 30 से 40, वैसे 20 से 30 सेकंड होती है लेकिन ये 30 सेकंड के क्राइटेरिया में नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये किसके साथ सही है, हेपरिन के साथ, ये क्या पूछ रहा है, हाँ ये अंतर समझना सीख लो, यही होता है छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, अबे समझे नहीं समझे, ये कहाँ पूछ रहा है, आधे गंदे तो यहाँ टिक मार रहे होंगे, 60 से 90 सही है, वो कब सही है, हेपरिन, यहाँ क्या लिखा है, तो राइट आंसर क्या है 30 सेकंड तक नॉर्मल है, लेकिन 40 सेकंड भी क्या मान सकते हो आप नॉर्मल, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है? नहीं है। नेक्स्ट बताइए, पेशेंट हु इज रिसीविंग कंटिन्यूस आईवी हेपरिन हैज एन एपिटिटी ऑफ 105 सेकेंड, कंटिन्यू हेपरिन चल रहा है और एपिटिटी कितनी आ रही है, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन, यस तुरंत किसको बंद करें, आप किसको बंद करें बेटा, होल्ड द इन्फ्यूजन फॉर 1 आवर एंड डिक्रीज द रेट पर प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ द एपिटिटी टू, कंटिन्यू करना पर थोड़ी देर के लिए क्या करना होल्ड, क्योंकि एकदम बंद भी नहीं करना है, क्लॉटिंग की रिस्क बढ़ जाएगी और एक्शन ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है। Your patient is being discharged home and will be required for self-administration of injection heparin. तुम्हारा patient discharge हो गया और उसको क्या लगाना है? खुद को injection लगाना है heparin. You are observing the patient administering their scheduled dose of heparin to confirm the patient know how to do it correctly. अब तुम patient को दिखा रहे हो कि कैसे correctly क्या लगाना है? Discharge हो रहा है तो सिखा के भेजोगे, teaching दोगे कि injection कैसे लगाना है heparin का. What action by the patient require you to re-educate about how to administer heparin. ये question बहुत important है, ये language कम से कम 20 question आते हैं note study. What information you should need to re-educate, यानी patient से आपने पूछा कि injection सिखाया आपने, क्या किया,
कि ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाना है, फिर पेशेंट को पूछना कि कैसे इंजेक्शन लगाना है। अब पेशेंट क्या करेगा, सही जवाब नहीं देगा, क्या देगा, गलत जवाब। मतलब पेशेंट ने कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया कि वापस उसको सिखाने की जरूरत है। पहला ऑप्शन कहता था पेशेंट इंजेक्ट द नीडल इनटू ए फैटी टिश्यू फॉर द एब्डोमेन, ये तो सही जवाब है। द फैटी टिश्यू का मतलब सबके टिश्यू में। द पेशेंट इंजेक्ट द नीडल 1 इंच अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस, ये भी सही है। द पेशेंट रोटेट द इंजेक्शन साइड फ्रॉम द प्रीवियस डोज ऑफ हिपेरिन, ये भी सही है। द पेशेंट डज नॉट मसाज द इंजेक्शन साइड आफ्टर एडमिशन, ये भी सही है। अब यहां पे लड़ाई होगी, चार ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन क्या है चाहिए। तो यहां पे फिर बेटा आपको किसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है। अभी हालांकि अपवादजनक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 1 इंच अवे, मतलब थोड़ा इसको और दूर लगाना है, 2.5 इंच लगाना है, बेटर आंसर ये जाएगा। अरे बोलो रे, तब इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। ये अपवादजनक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तुम वहां रूस के मत बैठ जाना, नई नवेली दुल्हन की तरह, नहीं साहब ये तो चारों से ये मैं सही नहीं करूंगा, फिर नई नवेली दुल्हन की तरह रूसे रहोगे, फिर नई नवेली दुल्हन है नहीं मिलेगी, क्लियर है। और तुम काले हो के गोरे हो, सबका एंटीडोट क्या है, सरकारी नौकरी, याद है कि नहीं है। पेशेंट डेवलप हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अरे बस, एज द नर्स यू वुड एक्सपेक्ट द हिपेरिन टू बी डिसकंटिन्यू एंड द पेशेंट टू बी स्टार्टेड ऑन व्हाट अदर टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट। पेशेंट को क्या चल रहा है, हिपेरिन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, तो क्या बंद करे और क्या चालू करे, डायरेक्ट थ्रोमिन इनहिबिटर, प्रोटोमाइन सल्फेट, स्विच टू सबक्यूटेनियस हिपेरिन इंजेक्शन, या विटामिन के एगोनिस्ट। अभी तक अपन क्या दे रहे, इनडायरेक्ट थ्रोमिन इनहिबिटर दे रहे थे, अब कौन सा देंगे, डायरेक्ट थ्रोमिन इनहिबिटर, जिसके अंदर वो जो मैंने बताई थी ना थोड़ी देर पहले, डोकोरॉल, समझ गए आप, ये डायरेक्ट थ्रोमिन इनहिबिटर होती है। You are providing care to a patient who has been receiving long-term dose of heparin. What finding in the patient demonstrate the patient may be experiencing a complication that can occur due to a long-term use of drug. यानी heparin का लंबे समय तक use करने तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है बेटा? Bone fracture. Why? Because osteoporosis करती है लंबे समय तक. Chronic use है. Hyperkalemia तो acute use से हो जाता है. यहाँ क्या कह रहा है? अरे बस लोग तो बाकी ये सब क्या है, ये तो होता ही नहीं अनकोना पर, हाइपरकैलेमिया इसका संबंध नहीं, हाइपरकैलेमिया होता लेकिन एक्यूट यूज से होता है, ये किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म की। इतना बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। इसी तरह के बेटा धमाकेदार क्लास देखने के लिए आज ही एसएन अकेडमी का ऑनलाइन ज्वाइन करें, ये ऑफलाइन बैच के कुछ मनोरम दृश्य है बेटा एसएन अकेडमी की तरफ से, चलेगा बच्चों। इस तरह की कंप्लीट थ्योरी विद एमसीक्यू टॉपिक के जितने भी इंडिया में क्वेश्चन छपे वो सब निकाल के अपन फोड़ के रख देंगे। थ्योरी विद एमसीक्यू बैच बेटा ऑफलाइन बैच शुरू हो गया 1 दिसंबर से, जिसकी फीस 21,999 मुफ्त में चुटकुले मिलेंगे आपको, और ऑनलाइन बैच 8,999 अवेलेबल है। आपका जो एड्रेस रहेगा वो थर्ड फ्लोर धनलक्ष्मी टावर नियर आपका बेटा संजय जी का थान जोधपुर रहेगा आपका, राजस्थान में आपका ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। इसके अलावा ऑफलाइन की क्लासें ऑनलाइन में लाइव होगी, और लाइव होने के बाद क्लासेस सेव हो जाएगी बेटा। 8,999 में कोर्स अवेलेबल है, जिसके साथ क्रेश कोर्स, नोट्स की ePDF और टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है आपको 15,000 MCQ की। इसके अलावा जो रनिंग स्टूडेंट अगर आज ही ऐसे ने ज्वाइन करते हैं बेटा, तो उनको एक्स्ट्रा 3 साल तक का एक्सेस मिल रहा है, लाइक जेएनएम बीएससी के स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा राजस्थान 6 के बेस अवेलेबल है बेटा 4,999 में। सो थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए, लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। एसएनए क्लासे अच्छी लगती तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा, और जिंदगी में मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत करोगे तो जीवन में फल जरूर मिलेगा। कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो समय आया है हमारा दौर आएगा। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। कितने धार्मिक बच्चे।